हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज मेगा रिविजन, जहां पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आप लोगों का सबसे प्यारा चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। फटाफट चैट में मेरे को ये बता दो, क्या तुम लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? फटाफट चैट में बताइए प्लीज, वेरी क्विकली टेल मी इन द चैट, कैन यू हियर मी, कैन यू लिसन टू मी, वेरी क्विकली प्लीज। यस सर, परफेक्ट। हाय हर्षिता, हाय बरकत, हाय रवि, हाय सभी, हाय श्रीजल, हाय निखिल। चलो सर, परफेक्ट। ऑल राइट सर, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी बकवास के। बिना किसी बकवास के आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, क्या करने वाले हैं आज की क्लास में अपन लोग? आज की क्लास में अपन लोग फेमा का पूरा रिविजन करेंगे। किसका? पूरा का पूरा रिविजन करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। मेरी बात एकदम ध्यान से आराम से सुनते जाना। वैसे तो ये रिविजन वीडियो है, पर मैं थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के कोशिश करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है वो आपको मैं समझा दूं, ताकि हम लोग एक एक वर्ड बाई वर्ड पढ़ के पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जो मेरे नोट्स में सिर्फ 7 से 8 पेज में समराइज है, उसको पूरा का पूरा हम खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सर, ये फेमा बनाने का पर्पस क्या था? व्हाई डिड फेमा कम इनटू पिक्चर? दिस वाज, आपको मैंने बताया था पूरा पूरा स्टोरी, जहां पे मनमोहन सिंह जो है वो फेमा लाने की लाने लाए थे, उसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप देखोगे तो फेमा एक्ट कब का है? 1999 का ये एक्ट है। सर फेमा एक्ट आया क्यों था? दिस वॉज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरन एक्सचेंज। जैसे आपके कंपनीज एक्ट में लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, तो यहाँ पे लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज है, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। बाहर वाले दुनिया के साथ हम ट्रेड कर सके, पेमेंट लेना देना कर सके, एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। सर एक तो आप ऑर्डरली डेवलपमेंट करोगे और मेंटेन करोगे, क्या करोगे, अपने फॉरेक्स मार्केट को। तो हमने बोला हमको बाहर वाली दुनिया के साथ ट्रेड करना है, हमको पेमेंट करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ बनाओ, और दूसरा हम अपने फॉरेक्स को कैसे प्रमोट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। उन दोनों चीज को ध्यान रखने के लिए हमने क्या बनाया? फेमा बनाया। तो आज के बच्चों आप लोग क्लास में लिखे हुए नोट से पढ़ सकते हो, यू विल गेट अ इवन बेटर होल्ड। पर मैंने क्या कहा सर, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों का फेमा का पर्पस हो गया। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, विथ लिबरलाइजेशन क्या हुआ? विथ लिबरलाइजेशन मतलब जब इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन का स्कीम आया था, द फ्लो ऑफ फॉरेक्स इन इंडिया इंक्रीज्ड एंड थस इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपका इंडिया में फॉरेक्स आना बढ़ गया और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, उसके वजह से क्या हो रहा है सर? दिस एक्ट एनेबल्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द कंट्री। इस एक्ट से उस रिजर्व का क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है, ये बस ये कह रहा है कि इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था। सर लिबरलाइजेशन क्या है? पहले इंडिया में 1991 के पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट इफ यू वांट टू सेंड समथिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस और यू वांट टू गेट यूएस से इंडिया में कुछ। अभी तो लोग अपने अपने बुआ के लिए, अपने भाई के लिए अचार भेज रहे, पापड़ भेज रहे, कुछ भी भेज रहे। सर ये इतना ईजी क्यों हो गया? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इतने इजी क्यों हो गए सर? बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो मनमोहन सिंह जी ने लाया था। लिबरलाइजेशन के वजह से इंडिया के पास जो एक रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो रिजर्व बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इस एक्ट में उस रिजर्व का क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। सर इस एक्ट का एनफोर्समेंट का जिम्मेदारी किसके? एनफोर्समेंट मतलब अप्लाई करवा के लेने की जिम्मेदारी किस पे है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे। सर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है ना, वो दो एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक है फेमा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हम बाद में कभी हमारे सीए फाइनल में पढ़ते हैं, पर यहां पे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सर समझे क्या मेरी बात? भानुप्रिया कहती है सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। देखो क्या लिखा है, विथ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991 द फ्लो ऑफ फॉरेक्स इन इंडिया इंक्रीज। सो प्रिया, विथ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991 द फ्लो इंक्रीज। अरे लिखा तो इंग्लिश में है ना, सुनो मेरी बात। सर क्या कहा आगे? मेरी बात सुनो प्लीज, ये रिविजन हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इंग्लिश वाले बच्चों प्लीज हिंदी इंग्लिश मिक्स है, आप लोग उसको तभी रेफर कर पाओगे। कोशिश करूंगा पूरी समझाने की इंग्लिश में, बट इट इज हिंदी इंग्लिश मिक्स। दोस्तों मेरी बात सुनो, अब जब सर फेमा आया तो क्या फेमा के पहले कोई नहीं था? था सर, उसका एक छोटा भाई था, उसका एक छोटा डेविल भाई था। कौन? फेरा।
सर फेमा का एक छोटा डेविल भाई था फेरा। सर फेवा फेरा बहुत गंदा था। वो क्या करता था, वो पैसा फॉरेक्स बचाने की कोशिश करता था, हम यहाँ पे प्रमोट और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो कंजर्व करता था, हम प्रमोट और डेवलप करते हैं। सर फेरा जो था ना उसमें भी आपका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनता था। मतलब वहां पे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब कहलाते थे, अगर आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है। पर यहां पे फेमा में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए सिटीजनशिप की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में स्टे करते हो तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर फेरा बहुत स्ट्रिक्ट था कि भैया फॉरेक्स ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, जब तक हम हाँ ना बोले तब तक सब प्रोहिबिटेड है। फेमा बहुत प्यारा हो गया, वो कहते हैं सब अलाउड है जब तक हम कुछ स्पेशली मना ना करें ना, बाकी सब अलाउड है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद सर मेन्स रिया है क्या सर, ये क्या मेन्स रिया, रिया नहीं सर, क्या मेन्स रिया, अरे मेरी बात सुनो, मेन्स रिया मतलब फेरा में अगर तुमको कभी भी गलती करते हुए पकड़ा जाता था तो ये माना जाता था कि तुमने जान मुझ के फ्रॉड करने के इरादे से किया है। पर अगर फेमा में तुमको कोई गलती करते हुए पकड़ा गया है तो ये अजम्पशन नहीं लेते कि तुमने फ्रॉड किया है, तुमको प्रूफ करने का मौका दिया जाता है, ये अजम्पशन नहीं लेते। तो सर यहाँ पे मेन्स रिया का प्रिजम्पशन था, पर यहाँ पे मेन्स रिया प्रिज्यूम नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था प्रोसिक्यूशन का, प्रूफ करने का कि इसने फ्रॉड किया। मान लो मैं क्या कर रहा था, मैं $1,00,000 यूएसए इंडिया ला रहा था, तो पहले के जमाने में फ्रॉड ही किया है मान लिया जाएगा, पर इस बार सर मेरे पे एलिगेशन लगेगा, फेमा के अंदर मेरे पे एलिगेशन लगेगा और मेरे पे प्रूफ किया जाएगा, प्रूफ हो गया तभी मैं जेल जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। और सर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का, जो आपको बता दूं फेरा में अलाउड नहीं है, पर फेमा में सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब क्या सर, तुम थोड़ा सा पैसा ले लो पर मेरे को जेल मत भेजो। अगर मैंने आपको बोला ₹1,00,000 की फाइन लगेगी और एक साल का जेल होगा, तो तुम बोल सकते हो भाई तू ₹3,00,000 का फाइन ले ले पर मेरे को जेल मत भेज, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो सर कंपाउंडिंग भी जो है वो फेरा में नहीं होता था पर यहां पे हो सकता है, तो हम तुम्हारे लिए एक फ्रेंडली लॉ लेके आए हैं एज अपोज्ड टू अ एनिमी लॉ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो सर। सर ये एक्ट जो है ना इसमें मेजर बातें जो आपको याद रखनी है, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, सर ये इंडिया को तो अप्लाई होता है पर उसके अलावा भी मेरी बात सुनो, इट अप्लाइज टू ब्रांच ऑफिसेस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई। सर अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसका अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है और उसको ओन मैं करता हूं या कंट्रोल मैं करता हूं, तो वो ब्रांच ऑफिस या एजेंसी को भी फेमा एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सर कोई एग्जाम्पल दो ना, अरे भैया देखो टाटा मोटर्स कहां पे रहता है इंडिया में, सर टाटा मोटर्स का एक ब्रांच है JLR जो कहां पे यूएस में, JLR बोले थे जैगवर लैंड रोवर, तो सर यूएस में जो है ये JLR पे मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या, JLR पे फेमा अप्लाई कर सकता हूं क्या? सर नहीं, जब भी आपको लॉ लगता है आपको लॉ ऑफ द लैंड लगता है, मतलब आप अगर यूएस में हो तो आपको यूएस का लॉ लगेगा, पर सर यहां पे हमने बोला JLR जो है ना अगर वो इंडिया के PRI का, टाटा मोटर्स हमारे देश का है, उसका अगर तू ब्रांच है ऑफिस है या एजेंसी है ना, तो उसको भी फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से समझे क्या। हाँ, अब सर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमको पढ़ना है जो समझने के बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। सबसे पहले सर बार बार आप देखोगे हर जगह लिखा है ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन मतलब जो करोगे तुम ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करना। सर ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, ऑथराइज्ड पर्सन राजा आपको याद करने पड़ेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन में चार लोग आते हैं। सबसे पहला सर ऑथराइज्ड डीलर, यानी कि तुम समझ लो अपने कंसेप्ट के लिए बैंकर्स। उसके बाद मनी चेंजर, सर मनी चेंजर मतलब कभी अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे या आपको पता होगा घर वाले कभी गए होंगे तो आपको पता है, अगर मान लो मैं थाईलैंड जा रहा हूं तो मेरे को थाईलैंड जाने के वक्त क्या चाहिए होता है, थाई भाट चाहिए होता है, करेंसी उनकी जो भाट करेंसी है वो चाहिए होता है। तो सर थाई भाट जो है वो जहां से मैं लेने जाऊंगा, तो मैं जिसको मेरा रुपीज दूंगा और जिससे मैं थाई भाट लूंगा वो कौन हो गया, सर वो मनी चेंजर हो गया, एयरपोर्ट में बहुत सारे होते हैं। उसके बाद ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, सर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब अपने इंडिया का SBI है, SBI का एक ब्रांच अगर यूएस में, तो यूएस में जो ब्रांच है वो अपना ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहलाएगा। चौथा अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेक्स और फोर्सेल, सर अदर पर्सन मतलब जो हम सेक्शन 10 में पढ़ते वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या करने का अथॉरिटी उनको, टू डील इन फॉरेक्स और फोर्सेल, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फोर्सेल मतलब फॉरेन सिक्योरिटीज। सर अगर कोई भी और इंसान ऑथराइज है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील करने के लिए, तो सर वो उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी ऑथराइज पर्सन माना जाएगा। सर देखो मेरे साथ याद करो ना वरना कोई मतलब ही नहीं है। ऑथराइज पर्सन में चार लोग आते हैं, पहला ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर सर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं पर हमारे मॉड्यूल में नहीं है, हमको सिर्फ समझ रहे हैं ऑथराइज डीलर कौन होता है, बैंक्स। दूसरा मनी चेंजर, मनी चेंजर मतलब कौन होता है, सर मनी चेंजर मतलब जो भी आपको पैसा एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तीसरा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और चौथा कोई भी पर्सन जिसको आपने ऑथराइज कर रखा है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, फोर्स क्या है फॉरेन सिक्योरिटी, तो उस केस में आप क्या बन जाओगे, आप ऑथराइज पर्सन बन जाओगे। अब सर मेरे को ये बताओ फॉरेन करेंसी क्या है, अरे बहुत ईजी है, एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी,
इंडियन करेंसी क्या है? बापूजी, आपने जो बापूजी है, गांधी जी, गांधी जी के अलावा जो भी है वो अपना क्या है? फॉरेन करेंसी। अभी के लिए इतना ही समझो सर, इन्होंने इंडियन करेंसी अलग डिफाइन कर रखा है, बट सर वही सब चीजों के चक्कर में ना इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस छूट जाता है। सर फॉरेन करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी को छोड़ दो, वो फॉरेन करेंसी होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सर आपने ऊपर बोला कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो तो आप ऑथराइज पर्सन हो, पर फॉरेन एक्सचेंज क्या है सर? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी भी फॉरेन एक्सचेंज है एंड इंक्लूड्स सर डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स और बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। क्या मतलब सर इसका? डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी मतलब सर मान लो अगर यूएस से, यूएस में मैंने इंडिया से यूएस में क्या किया? डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया मैंने? यहां से 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए भेजे थे, 70 लाख रुपए भेजे थे, और वो वहां पे यूएस में जाके क्या बन गया सर? डॉलर 100K। तो सर ये जो 100K डॉलर बन गया, ये 100K अभी कहां पे है? यूएस के किसी बैंक में किसी रेसिडेंट ने डिपॉजिट कर रखा है। सर ये जो डिपॉजिट कर रखा है ना, इसको भी हम फॉरेन क्या मानेंगे बताओ? इसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर में डिपॉजिट है या फिर हमारा डॉलर में कुछ क्रेडिट्स है या बैलेंस पेएबल है, ये सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। तो सर फॉरेन करेंसी तो फॉरेन एक्सचेंज है ही है, उसके साथ साथ डिपॉजिट्स हो गए, क्रेडिट्स हो गए, बैलेंस पेएबल हो गए, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज हो गए। दूसरा सर आपके ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, सर ये सबका शॉर्टकट का दिया हुआ है, ये सबका शॉर्टकट आपके फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। टीसी क्या है आपका, बाकी सब चीजें क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सर आपका ट्रैवलर्स चेक, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी आपने इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया है पर आपका पेबल फॉरेन करेंसी में, वो सब आपका फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। सर आज अगर मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया और वो पेबल अगर फॉरेन करेंसी में है ना, तो मेरे लिए वो क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज मतलब जिसका भी डॉलर से कोई लेना देना है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जिसका भी डॉलर से कोई लेना देना है उसको फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है सर? ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? पहले के आजकल के जमाने में तो क्या है, तुम कार्ड कैश देते हो, तुम कार्ड लेके चले जाओ, इंटरनेशनल कार्ड, तुम कोई भी कंट्री चले जाओ, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, उसके अलावा कहीं भी चले जाओ, तुम वो कार्ड यूज कर सकते हो। पहले के जमाने में ऐसे कार्ड्स नहीं होते थे सर, तो आप क्या करते थे पता है? आप 5 लाख रुपए देते थे और 5 लाख रुपए का ट्रैवलर्स चेक लेते थे। ये ट्रैवलर्स चेक जो है ये किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं। आप यूएस में जाए तो यूएस में यूज कर सकते हो, यूके में गए तो यूके में यूज कर सकते हो, ऐसा कहीं भी यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। उसके बाद सर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो पेबल फॉरेन करेंसी में, वो सब कवर हो जाएगा। और लास्ट में सर यही सारी चीजें जो ड्रॉन बाय बैंक्स और पर्सन आउटसाइड इंडिया है बट पेबल इन इंडियन करेंसी है। सर या तो इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुआ पेबल फॉरेन करेंसी में, या फिर बाहर का बैंक, बाहर का इंसान ड्रॉ किया पर पेबल इंडियन करेंसी में। जब दो कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो जाए ना तो वो क्या बन जाता है? फॉरेन एक्सचेंज बन जाता है। सर तीन चीजें फॉरेन एक्सचेंज में आती है, फॉरेन करेंसी, दूसरा आपका ड्राफ्ट हो गया, क्रेडिट हो गया, या किसी भी तरह का बैलेंस पेबल हो गया फॉरेन करेंसी में, या तीसरा ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो ड्रॉ हुआ है इंडियन करेंसी में पेबल है फॉरेन करेंसी में, या जो ड्रॉ हुआ है बाय ए बैंक और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी। इंडिया में ड्रॉ हुआ है बाहर की करेंसी में पेबल है, बाहर ड्रॉ हुआ है इंडियन के करेंसी में पेबल है, वो दोनों भी क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। सर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो या अगर आप फॉरेन सिक्योरिटी में डील करते हो तो आप क्या बन जाओगे? ऑथराइज पर्सन बन जाओगे। तो सर अब ये बताओ फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है? राजा फॉरेन सिक्योरिटी में क्या आता है? एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, सर सिक्योरिटीज मतलब क्या? स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, यही सारी चीजें वही लिखा है। एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है? इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, मतलब सर उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिफाइंड है एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट रिडेम्पशन ऑन रिटर्न इज पेबल इन इंडियन करेंसी। क्या मतलब सर? सर मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने इंफोसिस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और इंफोसिस का एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का था और इसका जो डिविडेंड है ना मेरे को 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, क्या ये इंडियन करेंसी है कि क्या ये इंडियन सिक्योरिटी है कि फॉरेन सिक्योरिटी है? सर ये तो एकदम दिल से इंडियन सिक्योरिटी है। पर अगर मैंने कहा सर मैंने इंफोसिस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया पर कहां पे जो लिस्टेड है, जो यूएस में लिस्टेड है, जिसकी प्राइस थी $5 और उसमें मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है कितना? $0.001 का। सर अब बताओ ये क्या है? सर है इंडिया की कंपनी पर आप डील कर रहे हो फॉरेन सिक्योरिटी में। सर अब मेरे को बताओ मैंने इन्वेस्ट किया नेटफ्लिक्स के स्टॉक में, नेटफ्लिक्स का स्टॉक कितने का था? सर $200 का था और उसमें $2 का डिविडेंड आएगा, क्या होगा सर ये? ये भी आपका फॉरेन सिक्योरिटी हो गया क्योंकि सर ये दोनों अगर आप देखोगे इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। अब सर लास्ट अगर मैंने क्या खरीदा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक खरीदा जो $500 का था
और उस पे लेकिन मेरे को इंडिया में डिविडेंड जब मिलता है ना, तो मेरे को ₹100 का डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मेरे को ₹100 का मिलता है, तो सर तो ये तब भी क्या बन जाएगा, ये फॉरेन सिक्योरिटी बन जाएगा, बिकॉज इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट द रिटर्न इज इन इंडियन करेंसी. तो सर वही चीज लास्ट में लिखा है, इट इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट रिडेम्पशन और रिटर्न्स आर इन इंडियन करेंसी. वो भी चलता हमको, पर आज का डिनोमिनेशन किस पे, फॉरेन करेंसी में ना, तो तू फॉरेन सिक्योरिटी बन गया. सर फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज पे अगर आप डील करते हो तो आप ऑथराइज पर्सन बनते हो. अरे मेरी बात समझे क्या आप? सर मैं इससे ज्यादा रिविजन में तो नहीं करवा पाऊंगा, पर इतना मेरे हिसाब से मैक्सिमम है जो आपको रिविजन में जरूरत है राजा. उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, हम लोगों को दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करने, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सबसे पहले समझो सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? मतलब सर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे क्या ऑल्टर हो रहा है, या तो असेट या लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. एक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जैसे इंडिया में बैठे हुए इंसान का इंडिया के बाहर सेट चेंज हो रहा है, या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है, या कंटिजेंट लाइबिलिटी भी चेंज हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है जिसका इंडिया में असेट चेंज हो रहा है या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है. सर यहां पे इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लिखा है, यहां पे इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लिखा है. आप ध्यान से देखो, यहां पे इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लिखा है. जब आप इंडिया के रेसिडेंट की बात करो, पीआरआई की बात करो, तो पीआरआई का इंडिया के बाहर क्या बदल रहा है? असेट बदल रहा है, लाइबिलिटी बदल रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी बदल रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट कहते हैं. दूसरा सर, अगर आप आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अगर आप एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो और आपका इंडिया में असेट या लाइबिलिटी बदल रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं लिखा है, तो उस ट्रांजेक्शन को भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं. जैसे कि फर्ज करो, एक बात समझो सर, अगर मैंने इंडिया के बाहर एक जमीन खरीदी, कितने की? मैंने एक 10 करोड़ की जमीन खरीदी, $10 करोड़ की इंडिया के बाहर जमीन खरीदी. सर अगर ये $10 करोड़ की जो जमीन मैंने इंडिया के बाहर खरीदी है, क्या इससे मेरा असेट इंपैक्ट हो रहा है? जी हाँ सर, मेरा एक असेट जनरेट हो रहा है जो पहले कभी नहीं था. मेरा बाहर कभी कोई असेट नहीं था, मैं 10 करोड़ रुपए इंडिया से लेके गया और बाहर मैंने असेट खरीदा, तो मेरा असेट बन रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है. इसके लिए पूरा अलग लॉ बनेगा. और दूसरा ट्रांजैक्शन हम क्या कहते हैं सर? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. सर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. कैपिटल अकाउंट मतलब जिससे असेट लाइबिलिटी या एक पीआरआई का कंटिजेंट लाइबिलिटी बदलता है. पर अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करो, बहुत सिंपल है, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. मतलब सर क्या मतलब? बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है उसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे. पर राजा मेरी बात ध्यान से सुनना सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में चार चीजें आती है जो इन्होंने क्लैरिफाई कर रखी है, कि इन्होंने कहा विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द डेफिनेशन. मतलब ऊपर जो हमने जनरल डेफिनेशन दिया है कि कैट के अलावा सब कुछ करंट अकाउंट है, उसको बिना छेड़े हुए हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं चार चीजें जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आती है. सर पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विस एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. दूसरा पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है. रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस और चिल्ड्रन रेसिडिंग अब्रॉड, बाहर जो तुम्हारे मम्मी पापा है, बाहर जो तुम्हारी वाली है, बाहर जो तुम्हारा वाला है, बाहर जो तुम्हारे बच्चे हैं, जायस, उन सब के लिए खर्चा अगर आप रेमिट कर रहे हो तो उसको भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा. और लास्ट में सर आपका फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकेयर ऑफ पेरेंट्स, ये सारी चीजें आपके फॉरेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माने जाते हैं. अगर मान लो मैं अभी यूरोप जाऊंगा, तो यूरोप जाने का जो भी मेरा फॉरेन खर्चा होगा वो सारा मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं. सर तो आप यू समझ लो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जनरली इन्वेस्टमेंट. और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जनरली एक्सपेंस. सर मैं आपसे तीन ट्रांजैक्शन पूछूंगा. पहला ट्रांजैक्शन, मैंने यूएस में एक असेट खरीदा. मैं कौन? मैं शुभम. मैंने यूएस में एक असेट खरीदा. सर असेट खरीद के कैश में पूरा पेमेंट कर दिया, कैश में पूरा पेमेंट कर दिया. मेरे को एक बात बताओ सर, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? सर क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? बोलो सर. सर अब असेट जो है, मान लो यूएस में खरीद के, ये इसी ट्रांजैक्शन इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, असेट को खरीद के मैं इंडिया ले आया, यूएस से खरीदा असेट, कैश में पेमेंट किया और इंडिया ले आया. मेरे को अब बताओ ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? सर दिस इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है. क्यों सर? कैपिटल अकाउंट से तो आपका इंडिया के बाहर असेट या लाइबिलिटी बदलता है. हाँ तो सर असेट खरीदा ना? नहीं ना भाई, वो असेट तो इंडिया ले आया ना, मूवेबल असेट था, असेट तो इंडिया ले आया, तो फिर असेट तो नहीं बदला. लाइबिलिटी? नहीं भाई, कैश में पूरा पेमेंट कर दिया, तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनी. ये बन गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन.
दूसरा सर, अगर मैंने यूएस में असेट खरीदा, पर यूएस में असेट खरीद के कितने का था? $1 मिलियन का था, और मैंने बोला इसका पेमेंट जो है मैं आज से 8 महीने बाद करूंगा। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद पेमेंट करूंगा। और फिर असेट को क्या करा मैंने? इंडिया ले आया। मेरे को बताओ सर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या? सर क्या मेरी इंडिया के बाहर कोई असेट की पोजीशन चेंज हुई? नहीं सर, असेट जो भी खरीदा वो तो मैं इंडिया ले आया। सर क्या मेरी लाइबिलिटी की पोजीशन चेंज हुई? ये सर मेरी लाइबिलिटी चेंज हुई, मैंने 8 महीने के लिए $1 मिलियन की लाइबिलिटी ले रखी है, तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पर सर वही अगर इसी ट्रांजैक्शन में मैं आपको बोलूं कि इंडिया के बाहर से मैंने असेट खरीदा और मैंने असेट को क्या किया? असेट को इंडिया ले आया। कितने का असेट था सर? $1 मिलियन का। पर मैंने क्रेडिट लिया सिर्फ 2 महीने का, क्रेडिट लिया सिर्फ 2 महीने का, पर क्रेडिट तो लिया, लाइबिलिटी तो बनी। अब मेरे को बताओ, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा? सर अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा है उस पे आप कहते हैं इंडिया के बाहर कोई भी असेट हो या कोई भी लाइबिलिटी बनती हो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, पर इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे सर, इसको करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्योंकि सर आपने लोन तो लिया है जरूर, पर ये बहुत शॉर्ट टर्म है, और यहां पे इन्होंने करेंट अकाउंट के डेफिनेशन में क्लियरली बोल दिया पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। शॉर्ट क्रेडिट अगर ले रहे हो ना, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको हम करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इसलिए भले 2 महीने का लोन लिया सर, अभी आप पूछोगे शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म का कोई डेफिनेशन है क्या? सर लॉजिकली लॉ ने शॉर्ट टर्म डिफाइन नहीं किया है, पर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं कि 3 महीना जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं। दूसरा सर, सिमिलरली अगर मैंने इंडिया के बाहर से लोन लिया, मैंने बाहर का बैंक है सर जेपी मॉर्गन, मैंने उससे लोन लिया $1 करोड़, $1 मिलियन का सर। अब उस लोन जब मैंने लिया तो क्या लोन लेना करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? ऑफकोर्स इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बट सर इस लोन पे मैंने जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया जेपी मॉर्गन को, मैंने $10,000 का जेपी मॉर्गन को इंटरेस्ट का पेमेंट किया सर, तो जस्ट 10,000 का जब पेमेंट किया ना, तो ये बन जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोले बनेगा, क्योंकि इससे मेरी कोई एसेट या लाइबिलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही है। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो अ कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सिमिलरली सर अगर आप लिविंग एक्सपेंस रेमिट कर रहे हो, या अगर आप फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकेयर वगैरह का खर्चा कर रहे हो, ये सारे खर्चे आपके करंट अकाउंट में आते हैं। ये पहले के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको एग्जाम में अगर करंट अकाउंट पूछेगा तो आपको ये नहीं लिखना है करंट अकाउंट मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ना जी ना, आपको ये लिखना पड़ेगा विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग। ऊपर लिखे हुए प्रोविजन के जनरल मतलब को बिना सर किए मैं ये बोलना चाहता हूं कि 4 और चीजें आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आती है। अरे मेरी बात समझे क्या? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना है पर्सन का। सर पर्सन के डेफिनेशन का मतलब क्या है? पर्सन में सारे लोग आते हैं सर, आप नाम लो बस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी आते हैं। उसके अलावा एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इतना तो हमारे इनकम टैक्स में भी आते हैं। उसके आगे इन्होंने क्या कहा सर, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच जिसको हम कहते हैं BOA, एनी ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। ऊपर वाले लोगों का कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी है ना, तो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। कैसे? मेरे को बताओ सर, टाटा मोटर्स क्या एक पर्सन है? हाँ सर, इट इज अ कंपनी, इट इज अ पर्सन। क्या सर आप ब्रांच को अलग से पर्सन की इज्जत देते हो? मतलब मान लो का ब्रांच, जैसे कि आपका मुंबई में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, आपका नोएडा में ब्रांच है, बहुत जगह ब्रांचेस है, क्या आप टाटा मोटर्स के सारे शोरूम्स को अलग अलग पर्सन बोलते हो? नहीं सर, आप सिर्फ टाटा मोटर्स को इन जनरल एक पर्सन बोलते हो, उसके सारे ब्रांच उसी के अंडर आते हैं, आप अलग से उनको पर्सन नहीं बोलते। पर फेमा में ब्रांच हो गया, ऑफिस हो गया, एजेंसी हो गया, उनको अलग से पर्सन की वैल्यू दी गई है। मतलब यहां पे टाटा मोटर्स का हेड ऑफिस अगर मुंबई में है तो वो एक अलग पर्सन है, और टाटा मोटर्स का ब्रांच अगर एक दिल्ली में है तो वो अलग पर्सन है। सर दिल्ली में अगर 20 ब्रांचेस है तो वो 20 अलग अलग पर्सन है, बिकॉज ऑल द ब्रांच, एजेंसी एंड ऑफिस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन। अरे मेरी बात समझे क्या राजा, मेरी बात समझे क्या? यस सर। अब उसके बाद आगे मेरी बात ध्यान से सुनना सर, हमारा सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये रहा। आप कुछ पढ़ के जाए या ना जाए, आप फेमा पूरा छोड़ के जाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर सर फेमा जो है आप इसका ये डेफिनेशन तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। वैसे बहुत आसान है सर, तो आपको फेमा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर मेरी बात सुनो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन क्या है? सर बहुत क्लियर है, ज्यादा फालतू का आया गया करके कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है।
क्या कहता है सर ये बेसिक सा डेफिनेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, बेसिक सा डेफिनेशन ये कहता है अगर आपको इंडिया में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बनना है तो या तो आप इंडिविजुअल हो जो एक नेचुरल पर्सन है या फिर आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। सर अगर आप एक इंडिविजुअल हो ना तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, रेसिडेंट बनने के लिए आपका इंडिया में 182 डेज का स्टे जरूरी है। सर यहां से पढ़ते हैं चलो, इंडिया में मोर देन 182 डेज का स्टे जरूरी है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर जब आप अपना इनकम टैक्स का, जब आप कंपनीज एक्ट का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हो तो आप वहां 120 दिन या उससे ज्यादा रहता है। जब सर आप इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हो तो 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है। और जब आप, और इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस में और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर जब आप फेमा का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हो तो इन्होंने 182 डेज से ज्यादा बोला है। इन्होंने क्या बोला, 182 डेज से ज्यादा अगर आपका रेसिडेंशियल स्टे है, अगर आपका 182 डेज से ज्यादा, सर एग्जैक्ट होगा तो नहीं चलेगा, अगर आपका 182 डेज से ज्यादा अगर आपका रेसिडेंशियल स्टे है तो आप क्या बनोगे, आप बनोगे पीआरआई ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर। पर सर याद रखना मेरी बात, दो केसेस में आप पीआरआई नहीं बनोगे, बट डज नॉट इंक्लूड, दो लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहला, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो या इंडिया के बाहर स्टे करते हो, इन द ईदर केस, तीन स्पेशल केसेस की वजह से। सर पहला, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर नौकरी करने गए हो। दूसरा, फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया एनी बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, सर इंडिया में, इंडिया के बाहर बिजनेस के लिए गए हो या इंडिया के बाहर वेकेशन, नहीं वोकेशन, वोकेशन भी काम होता है, प्रोफेशन होता है, वेकेशन आराम होता है, वेकेशन नहीं वोकेशन। पहला आप एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हो, दूसरा बिजनेस या वोकेशन के लिए गए हो, तीसरा फॉर एनी अदर पर्पस विच वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, वो गया है लेकिन उसका रिटर्न का टिकट नहीं है, उसने अपने वीजा में बताया नहीं कितने दिन तक वापस आ पाऊंगा, अगर अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है तो भी सर वो क्या नहीं कहलाएगा, वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। मतलब सर अगर इस साल आप 182 डेज से ज्यादा स्टे करते हो तो आप वैसे तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाते, पर अगर आप इस साल इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया चले गए, क्यों, तीन स्पेशल रीजन के लिए। सर ये याद कर लो, क्या तीन स्पेशल रीजन है, पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा बिजनेस या वोकेशन के लिए, या तीसरा अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उस केस में आपको हम रेसिडेंट नहीं कहेंगे। या दूसरा, अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया इन ईदर केस, अब किसी भी कारण से अगर इंडिया आओगे ना तो आपको, आप अगर मान लो विजिट वगैरह के लिए आए हो तो आपको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहेंगे। पर हाउएवर इफ सच पर्सन कम्स टू इंडिया और स्टेज इन इंडिया फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, उसको पीआरआई मान लेंगे। ये पर्पस के लिए अगर आएगा ना तो उसको पीआरआई मान लेंगे। और ब्रैकेट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल तू किस लिए कितने दिन रुका था उससे फर्क नहीं पड़ता, इस साल अगर तू इंडिया ये तीन काम के लिए आया है ना, वही तीन स्पेशल रीजन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और आपका इंटेंशन टू स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, ये तीनों में से किसी कारण से भी आप इंडिया आए हो तो आपको क्या मान लिया जाएगा। आपको क्या मान लिया जाएगा सर, आपको पीआरआई मान लिया जाएगा। नहीं समझे सर क्या मतलब, इधर देखो, इधर आओ ना जाओ। सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको पीआरआई बनना है तो 182 डेज से ज्यादा स्टे होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। मतलब अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 24-25 की, तो इस साल रेसिडेंट बनने के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 में तेरा स्टे 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। अब सर मान लो स्टे ज्यादा है तो इस साल क्या बन जाता, इस साल में पीआरआई बन जाता, इस साल में पीआरआई बन जाता। पर इन्होंने बोला पीआरआई के डेफिनेशन में से कौन एक्सक्लूड होगा पता है, मान लो इस साल मैं बीच में आउटसाइड इंडिया चला गया, क्यों आउटसाइड इंडिया गया सर, थ्री स्पेशल रीजंस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस या वोकेशन के लिए, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए, इस दिन के बाद से पीआरओआई बन जाऊंगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाऊंगा, पीआरआई नहीं कहलाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि इन्होंने पीआरआई के डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया सच पर्सन हु गोज आउटसाइड इंडिया फॉर द थ्री रीजंस। या फिर सर अगर मैं पिछले साल 182 डेज से ज्यादा स्टे नहीं करता था, पर मैं इस साल अगर इंडिया आया हूं, इस साल इंडिया आया हूं, मैं इंडिया में आया हूं, तो सर जस्ट बिकॉज इंडिया आया हूं ना तो उसकी वजह से मैं रेसिडेंट नहीं बनता, अभी मैं क्या हूं, पीआरओआई हूं। पर सर अगर मैं तीन रीजन के वजह से आ रहा हूं ना तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, पीआरआई बन जाऊंगा। और जब ये तीन रीजन के लिए आ रहा हूं तो मैं पीआरआई बन जाऊंगा, तो मेरा समझना एक बात सर, मेरा भाई है एक जो लंदन में रहते हैं, उसका नाम क्या, ऋषभ।
सर ऋषभ पिछले 10 साल से कभी भी इंडिया नहीं आया, पर प्रीवियस ईयर 24-25 में समझना वो अगर इंडिया आता है किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया में जॉब लेने के लिए, तो भैया वो अब से पीआरआई बन जाएगा, भले वो इंडिया में पिछले साल 182 डेज या उससे कम रहा है, मतलब नहीं रहा है बिल्कुल भी, पर फिर भी वो अब से क्या बन जाएगा, अब से पीआरआई बन जाएगा। सर एक छोटी सी बात समझना, आपके इनकम टैक्स एक्ट के रेसिडेंशियल स्टेटस में और आपके फेमा के रेसिडेंशियल स्टेटस में एक फर्क है। सर इनकम टैक्स एक्ट में ना आप पूरे साल के लिए एक ही स्टेटस रखते हो, या तो पूरे साल के लिए रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है। पर जब आप फेमा की बात करो ना, तो फेमा में आप कभी रेसिडेंट, कभी नॉन रेसिडेंट, कभी रेसिडेंट, कभी नॉन रेसिडेंट बन सकते हो। एक ही साल में आपका स्टेटस बार बार चेंज हो सकता है। इट इज नॉट फॉर द ईयर, इट इज फॉर अ पीरियड। इट इज नॉट फॉर द ईयर, इट इज फॉर अ पीरियड। अरे तुमको समझा क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब सर मेरे को एक बात बताओ, कुछ सवाल का जवाब दे दो मेरे, रुक जाओ मेरे नोट से पूछ लेता हूं आपको, कुछ सवाल का जवाब दे देना मेरे। सर मैं आपसे क्लास के कुछ इलस्ट्रेशंस पूछ रहा हूं, उसके जवाब दे देना प्लीज। सर पहला, अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं 365 डेज रहा था और इस साल मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो मेरे को बताओ पिछले साल का क्या होगा? सर प्रीवियस ईयर 23-24 का तो कोई डेटा नहीं है, 24-25 में मैं पीआरआई बन जाऊंगा क्योंकि मोर देन इक्वल टू 182 डेज है और ना तो आना ना जाना हुआ। पर सर अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले साल मैं 182 डेज एग्जैक्ट रहा था और इस साल मैं 365 दिन रह रहा हूं, तो सर पिछले साल अगर, मतलब ये प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर मैं एग्जैक्ट 182 डेज रहा, तो इस साल मैं क्या बनूंगा? सर इस साल आप पिछले साल का डेटा देखोगे, पिछले साल तो 182 डेज है, जो मेरे को तो 182 डेज से ज्यादा चाहिए, तो आप क्या बनोगे इस साल? पीआरओआई। इस साल में क्या बना? पीआरओआई। पर अगले साल में क्या बन जाऊंगा? सर पीआरआई, क्योंकि इस साल में 365 डेज रहा हूं। समझे? एग्जैक्ट 182 डेज इज नॉट ओके। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, अगर पिछले साल 183 डेज रहा और इस साल मैं 1 जुलाई को यूएस चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैं इस साल 30th जून तक क्या माना जाऊंगा? पीआरआई। क्यों? क्योंकि पिछले साल 182 डेज से ज्यादा का स्टे था, पर जैसे ही मैं यूएस गया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मैं वो एक्सेप्शन में आ गया। राइट? ए पर्सन हु गोज आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वेकेशन और अनसर्टेन पीरियड विल नॉट बी पीआरआई। तो उसको हम क्या बना लेंगे? पीआरओआई बना देंगे, क्योंकि आप इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गए। सिमिलरली सर, अगर मैं पिछले साल इंडिया में रहा ही नहीं था और इस साल 1 जुलाई को मैं इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली बार जीवन में, तो इसके पहले जब मैं आया, इसके पहले के समय के लिए मैं क्या बनूंगा? पीआरओआई। और उसके बाद के समय के लिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, तो मैं क्या बन जाऊंगा? पीआरआई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन द प्रीसीडिंग ईयर। अरे समझे क्या मेरी बात? सर उसके बाद मैंने क्या कहा, फेमा में रेसिडेंशियल स्टेटस दिन के हिसाब से होता है, पूरे साल के हिसाब से नहीं होता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हायर एजुकेशन का। सर आपने इंडिया के बाहर क्यों जा रहे कवर किया था? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए? सर अगर एक इंसान पढ़ने के लिए जा रहा है एजुकेशन के लिए, क्या एजुकेशन इसमें कवर्ड था? नहीं सर, एजुकेशन इसमें कवर्ड नहीं था। पर क्या हुआ, आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया। आरबीआई ने बोला, सुन यार, हमारे इंडिया का कोई भी लड़का लड़की अगर इंडिया के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके बाद पढ़ने के चक्कर में, वहां पर पढ़ाई इतनी महंगी होती है कि पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं, और पार्ट टाइम जॉब जब कर लेते हैं वहां पर डॉलर में कमाने की आदत हो जाती है ना, फिर इंडिया वापस नहीं आते हैं। तो भैया अगर तुम हायर एजुकेशन के लिए भी इंडिया के बाहर जा रहे हो ना, तो उसको ऐसा समझ लो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, और उसको एक्सेप्शन दे दो। उसको क्या दे दोगे तुम? एक्सेप्शन दे दोगे। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? उसी को ध्यान रखते हुए ये एग्जांपल देखो सर, मैं एक मिनट में आया।
गाइस हो तुम यहां? ओके समझे सर, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, सॉरी कोई दरवाजे पे आ गया था कुछ डिलीवरी के लिए, मेरी बात सुनना ध्यान से। सर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए यूएस जा रहे हो तो उसको माना जाएगा जैसे कि आप भले आप सर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हो पर फिर भी उसको पीआरओआई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आरबीआई हैज क्लैरिफाइड दैट अ स्टूडेंट लीविंग इंडिया फॉर हायर एजुकेशन शैल बी ट्रीटेड एज पीआरओआई। देशद्रोही है तू, देशद्रोही है तू, इंडिया छोड़ के जा रहा है पढ़ने के लिए, यहां पढ़ाई नहीं होती तेरी? सर यहां पे पढ़ाई नहीं हो रही क्या तेरी? तो इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसको पीआरओआई मान लिया गया है। उसके बाद सर मैंने ये लिखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता है, सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता है। सर क्या ये सारी चीजें सिर्फ आपके क्लास के नोट्स में मिलेगी? राजा ऐसे ही थोड़ी बुक का नाम अल्टीमेट सोल्यूशन दिया है, हर एक चीज जो मैंने बताई ये पूरी नीचे लिखी हुई है, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है और हम लोग उसको क्लास में भी लिखते हैं। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? सर आर्टिफिशियल पर्सन इंडिविजुअल की तो बात हो गई और इतना ही सिंपल रखना, मेरे को पता है रे तुम लोग बहुत नाचे हो, गया आया गया एग्जाम में इंस्टीट्यूट जब इतना नहीं नाचता तो तुम ऐसे नाच की प्रैक्टिस काहे कर रहे हो। सर मेरी बात ध्यान से सुनो नॉर्मल, अब मेरी बात सुनना आर्टिफिशियल पर्सन के केस में क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, वो कैसे पीआरआई बनेगा? सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। सर इंडिया में रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो तो पीआरआई बन गए, या फिर एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई पीआरओआई, बाहर का ओनर है, इंडिया में अगर ब्रांच ऑफिस एजेंसी है वो तो इंडिया में है ना, तो उसको हम पीआरआई मान लेंगे। और तीसरा एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। ये तीनों को भी रेसिडेंट मानेंगे क्या? सर इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो रेसिडेंट, जो ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया में है और ओनर या कंट्रोल इंडिया के बाहर है वो भी रेसिडेंट, जो ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर है कंट्रोल इंडिया में है वो भी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। कि आपको मेरी बात समझ में आई सर? हाँ सर एक सवाल का जवाब दो सर, एक थाई एयरलाइंस है ठीक है, क्या है एक थाई एयरलाइंस है, थाई एयरलाइंस ने क्या खोला इंडिया में? एक ब्रांच खोला, क्या नाम से? इंडिया, चलो ऐसा रख लेते ए एल एल सी है, उसने इंडिया में एक ब्रांच खोला सर, ब्रांच बी एल एल टी एल एल लिमिटेड, बी लिमिटेड ठीक है, ब्रांच खोला सर, सब्सिडियरी नहीं खोली, ब्रांच खोला, ब्रांच का नाम ऐसा रखा सर। वो ब्रांच जो है उसने सिंगापुर में अपनी एक और ब्रांच खोली, सिंगापुर में ब्रांच खोला सी लिमिटेड सर। एक है ए जो कहां पे है थाईलैंड में, बी कहां पे है इंडिया में, और सी कहां पे है सिंगापुर में। मेरे को तीनों का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या होगा? अब मेरे को तीनों का रेसिडेंशियल में, सर ये जो ब्रांच है ना सिंगापुर में ये है ए एल एल सी का, और उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रांच इंडिया वाला ब्रांच कंट्रोल करता है किसका सर? ए एल एल सी का, पर कंट्रोल कौन करता है? बी कंट्रोल करता है। अब मेरे को बताओ तीनों का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर ये तो देखो, ना तो ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, ना ही ये इंडिया में सिचुएटेड है, ना ही ये इंडिया के कुछ भी नहीं है सर, ये तो प्योर प्योर आपका पीआरओआई है, ये तो प्योर प्योर आपका पीआरओआई है। पर सर ये ब्रांच है जो ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो पीआरओआई का है, पर क्योंकि ये इंडिया में है ना इसलिए ये क्या बन जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। और मेरे को बताओ सर ये सिंगापुर वाले ब्रांच का क्या होगा? सी जो है ब्रांच, सर ये जो सिंगापुर वाला ब्रांच है मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये ब्रांच है किसका? ए का, ए यानी कि जो थाईलैंड में है, पर सर इसका ओनर और कंट्रोल कहां पे है? सर इसका ओनर और कंट्रोल बी है, और बी जो है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो टेक्निकली सी बिकम्स ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय Owned and controlled by B, which is a PRI. तो इस वजह से C भी क्या बन जाता है? PRI बन जाता है। वैसे आप logically सोचोगे तो C क्या बनता? PROI. पर यहाँ पे C भी क्या बन जाएगा? PRI बन जाएगा। ये आपके exam का एक question है सर। आप समझे क्या मेरी बात? सर इसका question bank FEMA का बहुत प्यारा बनाया है मैंने, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे questions रखे, आप प्लीज FEMA के question bank को जरूर सॉल्व कर लेना। सर FEMA का question bank आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों भी ले सकते हैं, पर आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो आप जरूर कर लेना। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, उसके बाद पीआरआई आप समझ गए क्या होता है। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मींस अ पर्सन हुज नॉट अ पीआरआई, जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई बन जाता है। इतना सिंपल है सर, ये आपका पूरा पीआरआई पीआरओआई खत्म होता है। सर यहां तक एक पार्ट था आपके पूरे फेमा का, वो आपको समझ आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू लाइक तो करना ही करना, साथ में कॉमेंट करके आप मेरे को बताओ कि हाउ आर यू फाइंडिंग दिस रिविजन, इज इट हेल्पफुल फॉर यू। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं अपनी नॉर्मल पेस से ताकि आपके जहन में सारी चीजें उतर जाए। इट इज अ मैटर ऑफ मोर 45 मिनट्स एंड द रिविजन विल बी डन। पर सर क्या आप
क्या आपको पसंद आ रहा है? वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट पे जरूर बताओ. इट विल टेक यू हार्डली 1 मिनट, बट योर अप्रिसिएशन इज माई जेन्युइन मोटिवेशन, सो नेवर रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. ठीक है. और दोस्तों आपको तो बताइए, हे भगवान, सुख हरता दुख हरता, प्लीज हमको जो भी बच्चा ये रिविजन देख रहा है और जो इस वीडियो को लाइक करे, उसको प्लीज 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 फेमा में जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसका 85-90% मार्क्स दिला देना भगवान. प्लीज उसको फेमा में कहीं भी कम मत होने देना. और मैं तुमको बता दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फेमा 12 नंबर का है, तो अभी अभी मैंने 10 नंबर की वो मांगी है भैया. ठीक है, चलो सर. कहते 5 मार्क मांगो रवि, मैंने 10 की बात कर ली, तू 5 की बात कर रहा है. सर आपके लाइव आने से पहले ही लाइक कर दिया था, थैंक यू सो मच राजा. सर लाइक करने से क्या होता है, मेरे को पता चलता है यार इतने सारे बच्चों को वीडियो पसंद आई है, दैट इज व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस. ठीक है, चलो सर मेरी बात सुनो. अब सर हम लोगों के बचते हैं क्या सेक्शन 3, सेक्शन 4 और छोटे छोटे चीजें. सर ये सेक्शन 3 क्या कहता है आपका, मेरी बात ध्यान से सुनना. अब सर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड मैनर में पढ़ना पड़ेगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना. क्या कहा सर, सेक्शन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 3 बात करता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. सर मेरे को बताओ फॉरेन एक्सचेंज में डील करना अलाउड है क्या? सर लॉ ने बोला नो पर्सन शैल डील इन एनी ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज. सर हमने तो मना ही कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज में डील मत करो. पर सर आपने तो बोला था बुरा भाई तो फेरा था, जो पुराना वाला एक्ट था वो मना करता था, यहां तो सब कुछ अलाउड था. हमने बोला डील मत करो, पर अगर करना है ना तो डू इट बाई थ्रू एन ऑथराइज पर्सन. हमने ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी और के थ्रू फॉरेक्स में डील करना मना कर दिया. मतलब सर अगर मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक में जाके मैं अगर डॉलर लूंगा तो लॉ कहते हैं चलता है, पर मान लो अगर मेरा यूएस में एक भाई है, जो यूके में भाई है, ऋषभ, ऋषभ अगर जो है वो इंडिया आता है, और ऋषभ को मैंने क्या किया, ऋषभ भाई को मैंने अगर मान लेना कि उसको मैंने 1,000 रुपए दिया और मैंने बोला डॉलर दो ना भैया 1,000 रुपए का, तो ये जो मैंने ट्रांजैक्शन ऋषभ के साथ किया ना डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज नॉट अलाउड. तो नो पर्सन शैल डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन. दूसरा, नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ द PROI. आप PROI के क्रेडिट में कोई भी पेमेंट नहीं करोगे, नॉट मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ PROI. एग्जाम्पल दूंगा, रुक जाओ. तीसरा, यू विल नॉट रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम PROI और अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन. आप कोई पेमेंट रिसीव भी कर रहे हो ना, ऑथराइज पर्सन के थ्रू लेना. एंड यू विल नॉट एंटर इन टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया. सर ये 4 ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है. पहला ट्रांजेक्शन क्या है सर, यू विल नॉट डील इन एनी फॉरन एक्सचेंज. सर मेरी बात सुनना, भैया और भाभी जो लंदन में रहते हैं वो इंडिया आए थे, इंडिया आए थे, जब भी मेरे को मेहमान दिखते हैं ना, मेहमान दिखते हैं तो मैं ऐसे, और यूएस यूके वाले मेहमान दिखते हैं, डॉलर वाले मेहमान दिखते हैं, तो मैं उनका पैर छूता हूं जाते वक्त ऐसे लेट के, नंबर झुक के नहीं छूता भाई, मुंबई स्टाइल नहीं, मैं पूरा देसी स्टाइल लेट करके पैर छूता हूं. क्यों? डॉलर में मिलने वाले, इंडिया में 100 रुपए मिलेगा, डॉलर में 100 रुपए मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क है. तो मैं लेट गया, अब मेरे को मेरी संस्कार देख करके भाभी ने अपने डॉलर $50 निकाले और भैया ने $50 निकाले. ये जो उन्होंने $50 मेरे को दिया है, दिस इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. सर ये डॉलर अगर उनको मेरे को देना था, दे शुड हैव गिवन इट थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन. आप इस तरीके से कैश में अगर दे रहे हो ना, ये गलत है, इट इज नॉट ऑथराइज. मैं घंटा बोलूंगा उनको ये चीज, मैं बोलूंगा सब लीगल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड मनी. फ्री में आ रहा है ले लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भैया तुम समझ गए ना क्या इलीगल है. दूसरा सर, यू शैल नॉट मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ द PROI. आप अपने PROI के क्रेडिट में पेमेंट नहीं करोगे. क्या मतलब सर, मान लेना जब ऋषभ भैया लंदन चले गए थे, उनके मम्मी पापा तो कहां पे, अभी भी इंडिया में है, पर इंडिया में अभी भी उनका क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उनके पापा उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते. भैया प्रीमियम किसको भरना चाहिए था, ऋषभ को भरना चाहिए था. ऋषभ को डॉलर में इंडिया पैसा लाना चाहिए था और उसके बाद रुपीस में पेमेंट करना चाहिए था कन्वर्ट करवा के, पर वो कन्वर्ट वगैरह करवाने के जगह अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, अपने पापा से बोल रहे पापा आप रुपीज में भर दो ना, तो ये गलत हो जाएगा. सर यहां पे क्या लिखा है, नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ PROI. मतलब उसके पापा उसके क्रेडिट में या उसके बिहाफ में पेमेंट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा. तीसरा सर, विल नॉट रिसीव एनी पेमेंट थ्रू एन ऑथराइज अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन. अब मैं बताता हूं, जब मेरे को रैंक आई थी तो ऋषभ भैया ने बोला था शुभम चल मैं देखो आईफोन दिलाता हूं, तो अगर आईफोन दिलाता हूं तो वहां से ऑर्डर कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला चल मैं देखो पैसे भेज देता हूं, तू यहां पर आईफोन खरीद लेना. जब उन्होंने पैसा भेजा ना, वो पैसा वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही भेज सकते, अदरवाइज नहीं भेज सकते.
ऐसा भाई भगवान सबको दे, पता चलेगा तुमको मिलेगा था। सर सर मैंने क्या कहा, रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम पीआरओआई अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन। सर मैंने क्या कहा, आप अपने ऑथराइज, आप उसको पीआरओआई के थ्रू लेके आओ, आप उसको किससे लेके आओगे, ऑथराइज पर्सन यानी कि बैंक से लेके आओगे, उसके अलावा मत रिसीव करना। और चौथा सर, यू विल नॉट इनटू एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया। सर आपने क्या बोला, ऋषभ भैया को बोला, ऋषभ भैया सुनो ना आप एक काम करो, मेरे वहां पे यूके, मैंने बोला ऋषभ भैया को, आप एक यूके में मेरे नाम का एक जमीन ले लो, मेरे नाम का जमीन ले लो, और उस जमीन का 100K का जो पेमेंट है वो आप कर देना। तो ऋषभ ने बोला कर तो दूंगा, तू मेरे को कैसे पेमेंट करेगा। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं यहां इंडिया में रुपीज 70 लाख का पेमेंट कर देता हूं, और ये 70 लाख का पेमेंट किस चीज के लिए, मैं इंडिया में आपके नाम का एक लैंड खरीद लेता हूं। तो हिसाब बराबर हो गया, इंडिया में तुम्हारे नाम की जमीन हो गई, यूके में मेरे नाम की जमीन हो गई। मैंने कहा भैया आप इस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते इन इंडिया, जहां प्लांट खरीद रहे हो, विच इज एज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया। या फिर मैंने कहा इंडिया में आपके लिए लैंड नहीं खरीदता, एक काम करता हूं इंडिया में जाके 70 लाख आपके पापा को दे देता हूं, आपके फादर साहब को दे देता हूं 70 लाख रुपए। तो भैया अगर मैं 70 लाख रुपए उनके पापा को दे दे रहा हूं तो ये ट्रांजेक्शन भी अलाउड नहीं है, आप ये सारे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ये सेक्शन नंबर 3 में लिखा है, यू विल नॉट डील इन एनी फॉरेन एक्सचेंज, यू विल नॉट मेक एनी पेमेंट टू द क्रेडिट, यू विल नॉट रिसीव एनी पेमेंट अदरवाइज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, एंड यू विल नॉट एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया। पर सर एक बात समझोगे, सर जब आप पेमेंट इनवर्ड रिसीव करते हो ना, जब इंडिया में पेमेंट रिसीव करते हो, जैसे मेरे को यूट्यूब से जब पेमेंट आता है, जब यूट्यूब से बहुत कम पेमेंट आते हैं क्योंकि एड्स नहीं रन होते सर, जो भी आपके एड्स दिखते हैं ना आपको, वो इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि प्रीमियम ले आपसे, ताकि आपको प्रीमियम के लिए फोर्स करें। पर मेरे तरफ से एड्स जो है वो पीछे या तो ऑफ होगा या बहुत कंजर्वेटिव होगा, पर फिर भी राजा मेरी बात सुनो सर, यूट्यूब से जो भी चिल्लर भर का पेमेंट आता है, वो पेमेंट जब आता है ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनवर्ड रेमिटेंस जो मेरे को रिसीव होता है। सर ये इनवर्ड रेमिटेंस जब मेरे को आता है ना, दिस इज प्रूफ कि मैंने ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू मंगवाया। अगर मेरे बैंक से पैसा आया है पर मेरे को अगर उसका इनवर्ड रेमिटेंस नहीं मिल रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा, उसको रिसीव थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। तो सर इसलिए इन्होंने लिखा है कि वेयर एनी पेमेंट इज रिसीव्ड विदाउट इनवर्ड रेमिटेंस, इट विल बी डीम्ड दैट सच पेमेंट इज रिसीव्ड अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब इनवर्ड रेमिटेंस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है सर, ओके। उसके बाद सर इन्होंने क्या कहा, अबव रेस्ट्रिक्शन जो ऊपर आपने लगा रखा है, इट मे बी कैरिड ऑन इफ अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और विद परमिशन ऑफ आरबीआई। मतलब जो ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, उस जो भी काम करने के लिए मना किया है वो काम कर सकते हो, अगर कहीं पे एक्ट आपको अलाउ करता है या अगर आरबीआई ने आपको परमिशन दे दी तो वो काम आप कर सकते हो। सर ये हो गया आपका सेक्शन 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है वो तो तुम पढ़ लेना, पर दोस्तों उसके बाद आ जाओ सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बात करते हैं फॉरेक्स को होल्ड करने के बारे में। सर मैं अपने घर में डॉलर रख सकता हूं क्या, मैं अपने घर पे डॉलर रख सकता हूं क्या? सर कुछ लिमिट है, बट उस लिमिट के ऊपर नहीं रख सकते, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जितना इस एक्ट में बोला है उसके अलावा, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल अक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस और ट्रांसफर। इसका मैंने शॉर्टकट बना दिया, हार्ट ऑफ क्या है सर, होल्ड, अक्वायर, ट्रांसफर और ओन और पोजेस। कोई भी चीज नहीं करोगे सर, ना तो आप लोगे, ना तो आप अपने पास रखोगे, ना तो आप ओनरशिप लोगे, ना तो आप ट्रांसफर करोगे, क्या एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सर ना तो मैं इंडिया के बाहर का फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता हूं, ना फॉरेन सिक्योरिटी होल्ड कर सकता हूं, और ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता हूं। पर सर तो गलत कह रहे हो, मैंने पूछा क्यों? क्या सर आप कह रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते, मैं तो डॉलर रखता हूं। सर आपने कहा फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकते, मैं तो नेटफ्लिक्स का शेयर खरीद रखा हूं। सर आपने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, कपिल शर्मा ने बाहर खरीदा था एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, न्यूज में आया था, तो वो तो पीआर है ना, कैसे कर रहा है? अरे लिखा है ना एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, हमने इस एक्ट में बता रखा है कैसे कर सकते हो, वैसे कर लेना, उसके अलावा नहीं कर सकते, उसके अलावा सब कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अरे मेरी बात समझे क्या, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? अब सर आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होते हैं, सर आपके सबसे इंपॉर्टेंट शुरू दो सेक्शन शुरू होते हैं सर, क्या? एक तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और इसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब आपको पता है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा है। आपको पता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में असेट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं हिलती है। अब सर मेरे को ये बताओ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या परमिशन है, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेक्स? सर एक बार ये समझ लेना सेल और ड्रॉ फॉरेक्स मतलब क्या, सेल और ड्रॉ फॉरेक्स मतलब, सेल मतलब क्या सर, अगर ये बैंक है
और अगर मैं एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूं और मेरे को क्या करना है, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है, उसको अगर डॉलर में खर्चा करना है तो उसके लिए मेरे को डॉलर खरीदना पड़ना, ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो या तो मैं बैंक से ड्रॉ करूंगा, कितना मान लो मैंने 100K डॉलर ड्रॉ कर लिया और मैं उसको खर्च कर सकता हूँ। तो मान लो 100K में से 90K खर्चा हो गया, बचा 10K, उसे 10K में क्या करूंगा, वापस जाके बैंक को सेल कर दूंगा। मतलब मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मेरे को चाहिए तो मैं ड्रॉ बैंक से करूंगा, मेरे को चाहिए तो मैं सेल बैंक, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं सेल बैंक को करूंगा। पर सर ये ड्रॉ और सेल आप कर सकते हो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। क्या लिखा है सर, एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेक्स फ्रॉम एनी ऑथराइज पर्सन इफ इट इज फॉर अ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए तुम आराम से सेल या ड्रॉ कर सकते हो, पर सर इसके लिए अगर चाहिए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई नहीं राजा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि नहीं ये करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मत करो, कि नहीं भैया तुम चाइना घूमने नहीं जा सकते, चाइना घूमने जाने के लिए आपको डॉलर नहीं, आपको करेंसी नहीं मिलेगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, आरबीआई नहीं लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बात करेगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। आरबीआई के पास पावर नहीं है, अकेले के पास, वही मैंने लिखा है, आरबीआई खुद से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। अब सर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये पहले के दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाया कि अगर मैंने इंडिया में एक मशीनरी इंपोर्ट किया फॉर अ पेमेंट, जिसका पेमेंट मैंने कैश में कर दिया, सर तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा ना। तो मेरी असेट बदल रही है ना लाइबिलिटी। सर ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था ना वही है। पर दूसरा मैंने अगर क्या किया, खरीदे तो सही, इंपोर्ट किया, पर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, तो ये भी सर ये शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, तो भी ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। पर सर अगर मैं 1 साल का लोन लेता तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता, 1 साल का लोन लेता तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता। अब सर मेरी बात सुनो, सर मेरे को एक बात बताना, जब भैया और भाभी इंडिया आए थे, मान लो मैंने उनके पैर छुए, पैर छूने के बाद उन्होंने मेरे को अकाउंट से $100 ट्रांसफर किया, लीगली किया, बैंक अकाउंट से $100 ट्रांसफर किया, सर ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा कि कैपिटल अकाउंट, बताओ सर, सर मेरे को बताओ क्या, बोलो सर, ध्यान से सुनना सर, अगर मैंने, अगर मेरे को $100,000 मिले सर, ये गिफ्ट क्या है सुनना, पीआरआई ने दिया पीआरओआई को, मतलब मान लो मैंने अपने भैया भाभी का जो बेटा था, जो बेटा मैंने अपने भैया भाभी के बेटे को $1,000 दिया, तो सर उस केस में गिफ्ट जो है फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है तो उसको क्या मानेंगे, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे, उसमें कोई कैपिटल असेट या लाइबिलिटी नहीं बदल रही, गिफ्ट है। पर सर अगर मैंने गिफ्ट दिया ₹1,000 का इसको बाय अ पीआरआई टू अ पीआरओआई इन इंडिया, इंडिया में पीआरआई ने पीआरओआई को दिया, तो सर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देगा, एज दिस रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ द असेट्स ऑफ द पीआरओआई इन इंडिया, although it is a capital account transaction, such gifting is permitted. Sir, क्या बोला मैंने? Sir, अगर मैंने अपने भांजे को, भांजा नहीं, क्या बोलते हैं मेरे भाई के, हाँ भांजे को, मैंने अपने भांजे को, मामा भांजा होता है, भतीजे को, मैंने अगर अपने भतीजे को, मैंने अपने अगर नेफ्यू को, यू समझो मैंने अपने नेफ्यू को, नेफ्यू कौन है सर, मेरा नेफ्यू यूके का बंदा है, मैं कौन, मैं पूरा देसी कट्टर PRI, मैंने अगर उसको इंडिया में आया था वो, उसको $100 दिए, तो सर एक बात समझो, गिफ्ट दिया, ना तो किसी की असेट बदली, ना तो किसी की लाइबिलिटी बदली, कुछ भी नहीं बदला, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। पर सर अगर $100 देने की जगह मैं उसको अगर ₹10,000 देता तो उससे क्या होता, ये पीआरओआई के हाथ में आ जाता इंडिया का एक असेट, तो उससे असेट की वैल्यू बढ़ रही है उसकी, तो सर ये वाला ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता। आप वो नेफ्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो गोरा अंग्रेज था, यूके का था वो, उसके पास अब एक ₹10,000 आ गए, INR आ गया जो पहले उसके पास नहीं हुआ करता था, तो सर उसकी असेट चेंज हुई इंडिया में, उसको हम क्या कहते हैं राजा, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मेरी बात समझे क्या, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये हो गया। और करंट अकाउंट सर मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, पर ये आपको समझना पड़ेगा, एक बार ये आपके आइडियली क्लास में समझ के हुआ होना चाहिए, पर आपको समझना पड़ेगा। अब सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की जब बात आती है ना, तो 3 शेड्यूल बनते हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 जिसमें ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, मतलब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो आप कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 2 जिसमें कर सकते हो लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और तीसरा शेड्यूल जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हो, फ्रीली परमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर पहले मेरे को बताओ शेड्यूल 1 जहां पे ड्रॉल जो है वो, शेड्यूल 1
जहां पे ड्रॉल जो है वो क्या है, ड्रॉल प्रोहिबिटेड है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। कौन से केस में ड्रॉल और फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। पहला, रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग। सर यहां पे रोक क्या रहे ये समझना जरूरी है। सर मैंने इंडिया में सट्टा खेला, सट्टा खेल के मैंने कितना कमाया, मैंने 1 लाख रुपए कमाया। मैं कौन, मैं अंग्रेज, मैं मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन इंडिया में आया, सट्टा खेला, सट्टा खेल के 1 लाख रुपए कमाया। वो 1 लाख रुपए लेके इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, वो 1 लाख रुपए लेके कहां जाना चाहता है, इंडिया के बाहर। तो वो बैंक के पास गया, बोले बैंक साहब ये 1 लाख रुपए ले लो और मेरे को डॉलर दे दो, यूएस लेके जाना है। बैंक आपको ये रेमिटेंस करने नहीं देगा, बैंक आपसे पहले पूछेगा ये 1 लाख रुपए कहां से आए, तो वो बोलेगा लॉटरी से, बोले लॉटरी का पैसा यही खर्च करके जा, यूके ले जाने नहीं देंगे, तो ये पैसा रेमिटेंस करना प्रोहिबिटेड है। तो पहला सिमिलरली, अभी सिमिलर लाइन पे समझना, रोक क्या रहे, लॉटरी विनिंग्स नहीं ले जाने देंगे। दूसरा सर, आपका अगर रेस या राइडिंग से इनकम है या किसी उस तरह के हॉबी से इनकम है तो वो नहीं ले जाने देंगे। या तीसरा, तुम पैसे क्यों ले जाना चाहते हो डॉलर में, परचेज वहां पे लॉटरी टिकट खरीदना चाहता हूं, वहां पे ब्रांड मैगजीन्स खरीदना चाहता हूं, नॉटी हाँ सर। इंडिया में जैसे यूएस में बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स बैंड है, इंडिया में बहुत सारे मैगजीन्स बैंड है जो हमारे कल्चर को नीचा दिखाते हैं, जो रामायण महाभारत को नीचा दिखाते हैं, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड मैगजीन्स है, वो अगर खरीदना चाहते हो। सर फुटबॉल पूल्स, मतलब फुटबॉल में सट्टा लगाना चाहते हो, स्वीप स्टेक्स वहां का एक सट्टा है, उसमें अगर पैसा लगाना चाहते हो, ये सब आपके लिए प्रोहिबिटेड है। पहला, इंडिया के लॉटरी विनिंग्स नहीं ले जा सकते, इंडिया के रेसिंग या राइडिंग के विनिंग्स को नहीं ले जा सकते। तीसरा, वहां पे अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदना है, ब्रांड मैगजीन खरीदना है, फुटबॉल पूल्स खरीदने हैं, स्वीप स्टेक्स खरीदने हैं, तो आप नहीं ले जा सकते। चौथा सर, अगर आप कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर ऑफ ओनली और ओनली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। सर सुनना मेरी बात, मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मेरी इंडियन कंपनी की वहां पे इंडिया के बाहर क्या है, ज्वाइंट वेंचर है या ओनली ऑन सब्सिडरी है, उसमें मेरे को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, और उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मेरे को किसी भी तरह का अगर कमीशन का पेमेंट करना पड़ रहा है ना, उस कमीशन के पेमेंट के लिए हम आपको डॉलर नहीं देंगे, मतलब ये कमीशन झूठ है भाई, इसका कोई कमीशन ही नहीं लगता। तो भैया, पेमेंट ऑफ कमीशन फॉर ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, जॉइंट वेंचर और होल्डिंग ऑन सब्सिडरी, उस पे जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट्स पे आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। मतलब सर जनरली एक्सपोर्ट करते हो ना तो उस पे कमीशन लगता है, पर अगर आप ही की कोई जॉइंट वेंचर या होल्डिंग ऑन सब्सिडरी है जिसमें आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो उस पे कोई कमीशन नहीं लगेगा। लॉजिकल सी बात है ना सर, मेरी कोई जॉइंट वेंचर या ओनली ऑन सब्सिडरी है, उसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे को कमीशन क्यों लगेगा, कोई कमीशन का पेमेंट आपको अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाइज। सर डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आज के डेट में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, पर पहले जब डिविडेंड बैलेंसिंग लगता था तब अगर आप डिविडेंड रेमिट कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, वापस से अब आप एक्सपोर्ट पे कमीशन दे रहे हो, पर एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, अंडर अ रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। सर ये इसका कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको क्लास में समझाया था, पर आप एक समझना, एक रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक था जिसके अंदर आपने कमिटमेंट किया था कि इतना एक्सपोर्ट तो मैं करूंगा ही करूंगा, उसके लिए अगर तू कमीशन दे रहा है ना तो वो कमीशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर तू चाय सुट्टा के लिए कमीशन देगा, टी एंड टोबैको, चाय सुट्टा, टी एंड टोबैको, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, तो उस केस में वो चल जाएगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ सर, 6 पॉइंट हो गए। पहला 3 पॉइंट क्या था, पहला 2 पॉइंट था मेरा रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग, दूसरा मेरा हो गया रेमिटेंस ऑफ रेस और राइडिंग इनकम, तीसरा सर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, अगर आप लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, स्वीपस्टेक्स, फुटबॉल पूल्स वो सब खरीदना चाहते हो वो अलाउड नहीं है। कमीशन के 2 पॉइंट, एक फोर्थ वाला और सिक्स वाला, कमीशन आप ही की कोई जॉइंट वेंचर या ओनली ऑन सब्सिडरी है जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पे कमीशन नहीं आएगा। और उसके बाद एक और कमीशन कौन सा है, अगर आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, सर इसको याद कर लो, आरएससीआर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में भी आपको कोई कमीशन का पेमेंट नहीं आएगा। पर जब चाय सुट्टा का एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो इनवॉइस वैल्यू के 10% तक का कमीशन देना पड़ सकता है अगर चाय सुट्टा का कर रहे हो, बाकी में नहीं आएगा। उसके बाद सर, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, सर आप अगर Amazon में कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो एक कॉल बैक सर्विस आती है, तो उसके लिए जो भी पेमेंट होता है ना वो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बाहर से लोग इंडिया में आते हैं वो पेमेंट करने के लिए, तुम इंडिया से बाहर वो पेमेंट मत करो कॉल बैक सर्विसेज के लिए, तुम इंडिया में ही वो काम करवाओ। और लास्ट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट। सर एक बाहर वाले बंदे का अगर इंडिया में क्या है, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट, क्या बोलते हैं सर इसको, NR का SR अकाउंट है, SR अकाउंट है, तो सर स्पेशल रूपी अकाउंट है, तो उस पे जो इंटरेस्ट इनकम आया ना वो तेरे को बाहर ले जाने नहीं देंगे, इंडिया में खर्चा कर। ये सारे खर्चे आपके लिए क्या है सर, ये प्रोहिबिटेड है, प्लीज 8 पॉइंट मेरे साथ याद कर लो। सर क्या क्या पॉइंट है, पहला लॉटरी विनिंग्स हो गया, और दूसरा रेसिंग वगैरह की इनकम हो गई, दूसरा
तू बाहर जाके लॉटरी टिकट या फिर तू अगर सट्टा वगैरह खेलना चाहता है अलाउ नहीं करेंगे। कमीशन में दो पॉइंट हो गया सर, अगर आप कमीशन पे कर रहे हो, पहला एक्सपोर्ट अपने ही किसी जॉइंट वेंचर या ओनली ओन सब्सिडरी को, या दूसरा रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में अगर आप कमीशन का पेमेंट कर रहे हो। पर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में टी एंड टोबैको पे 10% का कमीशन चलेगा। उसके बाद सर अगर आप कॉल बैक सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हो तो नहीं चलेगा। उसके बाद अगर रजा आप पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड के लिए, जो डिविडेंड बैलेंसिंग को अप्लाई होता है, तो वो भी नहीं चलेगा। और लास्ट में अगर आप इंटरेस्ट इनकम का रेमिटेंस कर रहे हो जो नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में आया है, तो वो भी नहीं चलेगा। सर ये 8 पॉइंट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और बहुत आसान है, याद हो जाएगा सर। शेड्यूल वन प्रोहिबिशन, शेड्यूल टू रेस्ट्रिक्शन, कि ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री का, वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप अगर इंडिया के बाहर कोई कल्चरल टूर्स करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो इंडिया के बाहर, कल्चरल टूर करना चाहते हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप इधर उधर घुमाना चाहते हो इंडिया का, मान लो भरतनाट्यम है, कथक है, ये सब चीजों को आप बाहर लेके जाना चाहते हो, तो कर लो, लेकिन आपको अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो आज के डेट में सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका आपको अप्रूवल लगेगा जो उसको कल्चरल टूर के लिए। सर ये वापस इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क करवाऊ वो तो याद कर ही लेना। सर दूसरा आपको खर्चा करना है एडवर्टाइजमेंट का, कहां पे, फॉरेन प्रिंट मीडिया में, बाहर के न्यूज़पेपर वगैरह में, कौन करेगा, बाई अ स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके पीएसयू का, ऑफ मोर देन 10,000 रुपीज, 10,000 डॉलर, खर्चा कितने का है, 10,000 डॉलर से ज्यादा है तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले खर्चे के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सर एग्जाम में ये याद ना आए ना डिपार्टमेंट, तो कंसर्न मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दोगे ना तो काम हो जाएगा। पर सर आपके लिए राइट साइड का ये जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही उस साइड का भी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो फॉरेन प्रिंट मीडिया में, आप कौन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई पीएसयू हो, पर सर अगर आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो पता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग, या तो टूरिज्म या फिर आप इन्वेस्टमेंट या बिडिंग बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा, तो आप बिंदास खर्चा कर सकते हो। अदरवाइज 10,000 डॉलर से ज्यादा का खर्चा कर रहे हो ना साल में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। सर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और उसके पीएसयू आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू नहीं आते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू मतलब क्या, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिसका स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एसजी आता है, सीजी नहीं आता है। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ पीएसयू, क्या कहा मैंने, रेमिटेंस ऑफ अ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ पीएसयू। सर अगर कोई भी पीएसयू है, अगर उसने कोई शिप वगैरह इंडिया मंगवाया तो उसका फ्रेट का खर्चा जो है वो देना चाहते हो ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल ले लो, ये बार बार आएगा याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट क्या चीज के लिए, अगर एक पीएसयू ने बाहर से माल लाया वेसल में और उसका फ्रेट रेमिट करना है, परमिशन ले लो। उसके बाद सर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ पीएसयू ऑन अ सीआईएफ बेसिस, सीआईएफ बेसिस मतलब सर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सर सब कुछ कवर होता है। अगर आप जीएसटी में पढ़ते होगे, सर अगर आप इंपोर्ट का पेमेंट कर रहे हो बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ पीएसयू जो सीआईएफ बेसिस पे है, मतलब सर इंश्योरेंस का खर्चा मेरा नहीं है, अपना फ्रेट का खर्चा मेरा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा, तो सर उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आप इंपोर्ट का पेमेंट कर रहे हो ना, उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लगेगा। सर ये दोनों बहुत यूनिक है कि अगर एक पीएसयू इंडिया के बाहर से माल ला रहा है तो उसके फ्रेट का खर्चा, या अगर एक पीएसयू इंडिया के बाहर से माल ला रहा है इंपोर्ट कर रहा है ओशन के थ्रू, तो उसका सीआईएफ का जो खर्चा है कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट सारा खर्चा भी अगर दे रहे हैं तो उसके लिए अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट का। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, सर मल्टी मॉडल मतलब क्या सर, जो ऐसा एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो पहले शिप से लाएगा, फिर फ्लाइट से लाएगा, फिर रोड से लाके आपके घर में देगा, जैसे कि ब्लू ट्रेन, वो सात समुंदर पार से शिप से भी ले आएगा, फ्लाइट से भी ले आएगा और रोड से लाके आपके घर तक पहुंचा देगा, तो सर उनको कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। वो अगर अपने एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको पेमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग डीजीएस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद सर वेरी इंपॉर्टेंट रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोंडर्स, आपने भाड़े पे क्या लिया है, या तो टीवी चैनल्स कौन कर रहे हैं, या तो टीवी चैनल कर रहे हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, हायरिंग चार्जेस का या ट्रांसपोंडर का पेमेंट किसको, कौन कर रहा है, टीवी चैनल कर रहा है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अप्रूवल लगेगा किसका, अगर टीवी चैनल पेमेंट कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, पर अगर आपका न्यूज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का अप्रूवल लगेगा। सर मिनिस्ट्री याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर लेना, आप बेसिकली रेफरेंस लिख देना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, पर सर याद करो टीवी चैनल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक बार रुक के सोचोगे ना तो याद हो जाएगा सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस,
जो प्रिस्क्राइब रेट से ज्यादा है, मतलब जो भी रेट प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा अगर आप डिटेंशन चार्जेस दे रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लो। और सर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सर अगर आप प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, आप अगर इंडिया के बाहर किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो या प्राइज मनी दे रहे हो और स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाई अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडी, सर स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं? मैंने बोला चलो आज मैं फीफा स्पॉन्सर करूंगा, अबे ओए क्या फीफा स्पॉन्सर करेगा, तू कौन है? तो मैंने बोला मैं इंटरनेशनल लेवल बॉडी हूं, मैं फीफा का इंडिया में बहुत बड़ा अथॉरिटी हूं। तो सर अगर आप ऐसे इंटरनेशनल या स्टेट लेवल के बॉडी हो, मान लो मैं बोला यूएस में एक क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करूंगा, मैं कौन हूं? मैं बीसीसीआई, तो चलता है भाई, तू कर सकता है, तू स्पोर्ट्स बॉडी है, पर उसके अलावा कोई और है ना तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर गिविंग एनी प्राइज मनी और एनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 100K। सर अमाउंट सिर्फ दो ही जगह आता है, एक तो यहाँ 100K आया और एडवर्टाइजमेंट में $10K आया, यहाँ $100K आया वहां पे $10K आया, उससे ज्यादा होगा तो ही आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सर आज के डेट में उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और सर उसके बाद लास्ट में आपका रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब। सर पीएनआई क्लब क्या है? पीएनआई होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस, पीएनआई होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। सर इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग ही होता है, आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, पर उसमें अगर आप मेंबर हो और उसकी मेंबरशिप का पैसा दे रहे हो ना, दे दो, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लेना जो इंश्योरेंस डिविजन है। सर इन सबका अप्रूवल लगेगा, पहले मैं बता देता हूँ किसके लिए अप्रूवल लगेगा। कल्चरल टूर्स के लिए अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो या उसके पीएससी हो और आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो फॉरेन प्रिंट मीडिया में $10,000 से ज्यादा तो अप्रूवल लगेगा, पर अगर आप टूरिज्म के लिए, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो अप्रूवल नहीं लगेगा। तीसरा सर, तीसरा चौथा पांचवा थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, अगर आपने बाहर से कोई वेसल लाया, आप पीएससी हो, आपने कोई बाहर से वेसल लाया उसका भाड़ा दे रहे हो, अप्रूवल ले लेना। सर अगर आपने बाहर से कोई इंपोर्ट किया माल ओशियन ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका अगर पेमेंट कर रहे हो तो अप्रूवल ले लेना। तीसरा सर अगर आप मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, अलग अलग मोड से ट्रांसपोर्ट करते हो, वो अगर अपने एजेंट को पेमेंट दे रहे हैं तो उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद सर इंपॉर्टेंट, अगर आप टीवी चैनल हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो और आप कोई हायरिंग चार्जेस या ट्रांसपोंडर का पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद सर अगर आपने डिटेंशन चार्जेस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा दिया तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्राइज मनी दे रहे हो, स्पॉन्सरशिप दे रहे हो इंडिया के बाहर, आपको स्पोर्ट्स बॉडी नहीं हो बस ऐसे ही दे रहे हो, $1,00,000 से ज्यादा तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। और लास्ट में अगर पीएनआई क्लब का मेंबरशिप दे रहे हो, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब का, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर के शेड्यूल पूरे याद करने होंगे, मेरे हिसाब से मेहनत करके याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा पर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके सर, किसी ने कहा 5 मिनट का ब्रेक नहीं राजा, बस थोड़ी देर में खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर, मेरी बात सुनो, सुनते जाओ सर आराम से। सर आप लोगों का शेड्यूल 3 क्या कहता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर शेड्यूल 3 क्या कहता है राजा? शेड्यूल 3 कहता है कोई खर्चे आप कर तो सकते हो, कोई खर्चे आप कर तो सकते हो। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाया सर, जहां पे हमने बोला खर्चे आपको अलाउड तो है पर सिर्फ $2,50,000 तक अलाउड है, उसके ऊपर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सर ये वो ट्रांजैक्शन है जो लिमिट के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर लिमिट कौन से ट्रांजैक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर इंडिविजुअल की बात करें तो अलग है और अदर देन इंडिविजुअल बात अलग है। सर लिमिट क्या है? $2,50,000 का। कौन कौन से खर्चे अलाउड है? सर कौन कौन से खर्चे अलाउड है? सर प्राइवेट विजिट, अगर आप किसी कंट्री में प्राइवेट विजिट करना चाहते हो, उसमें नेपाल और भूटान नहीं आता, नेपाल को हम कोई कंट्री, बाहर की कंट्री नहीं मानते, अपने देश का ही है सर वो। दूसरा अगर आप कोई गिफ्ट या डोनेशन देना चाहते हो, आप किसी को गिफ्ट या डोनेशन देना चाह रहे हो दे दो। आप पहला अगर बाहर ट्रैवल करना चाहते हो उसके लिए खर्चा कर रहे हो कर लो, गिफ्ट या डोनेशन देना चाह रहे हो कर लो। सर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो खर्चा कर लो, इमिग्रेशन मतलब इंडिया के बाहर परमानेंट सेटल हो रहे हो उसके लिए खर्चा कर रहे हो कर लो, साल का लिमिट है $2,50,000। उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपका कोई बाहर रिश्तेदार है उसके खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हो भेज दो, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए या मेडिकल वगैरह के खर्चे के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए, तो वो सब खर्चे के लिए भी आपको खर्चा अलाउड है। नेक्स्ट आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहे हो या स्टडीज अब्रॉड के लिए खर्चा कर रहे हो या किसी भी और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सर ये सारे खर्चे आपको फ्रीली परमिट कर दिया, बोला जा चुपचाप बनी झीले अपनी जिंदगी। सर क्या कहा यहाँ पे आपने? आपने कहा सारे खर्चे अलाउड है पर साल में $2,50,000। अरे $2,50,000 बहुत होते हैं भाई, $2,50,000 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 करोड़ आते हैं, 1.75 करोड़ आते हैं भैया, 1.75 करोड़ बहुत होते हैं। सर आप साल भर में, एक साल में 1.75 करोड़, वो तो मैं 70 के हिसाब से लिया, 80 के हिसाब से लोगे तो और ज्यादा आएगा, 1.75 करोड़ तक का खर्चा कर सकता हूं मैं,
समझे तुम मेरी बात? तो मैंने क्या कहा, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके लिए $2.5 लाख का लिमिट है। कितने का लिमिट है? $2.5 लाख का लिमिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या सर, इंडिया के बाहर विजिट करना है, गिफ्ट है, डोनेशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, इमिग्रेशन है, अगर आप रिलेटिव को मेंटेन करना चाह रहे हो, ट्रैवल के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके अलावा आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो या पढ़ने के लिए जा रहे हो, या अगर आप कोई भी और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये सब अलाउड है। प्लीज मेरी एक बात ध्यान से सुनना दोस्तों, सर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, आप अगर मेडिकल के लिए जा रहे हो, या स्टडी, सर इसको याद करो EMS, या इसको याद कर लो SME, या मैं जैसे याद करना है आपको। सर EMS क्या कहता है? सर EMS कहता है, SMS और EMS क्या होता है? EMS मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेस, सर EMS कहता है इमिग्रेशन, मेडिकल या स्टडीज के लिए जा रहे हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो सर साल में $2.5 लाख का लिमिट है, पर अगर आपका इमिग्रेशन का खर्चा है, मेडिकल का खर्चा है, या स्कूल का खर्चा है ना, मान लो जैसे आप कैनेडा इमिग्रेट हो रहे हो, और कैनेडा इमिग्रेट होने के लिए बेसिक सर आपको $4 लाख लग जाते हैं, $400K लग जाते हैं, तो सर अगर आप कैनेडा इमिग्रेट हो रहे हो, या अगर आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, बाहर किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे $300K का खर्चा है, तो सर हमने क्या बोला, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है हम ना, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको बोला था RBI के पास जाना पड़ेगा, करेक्ट, लिमिट क्रॉस करते हो तो RBI के पास जाना पड़ेगा, पर हमने देखा RBI के पास ये तीनों केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो RBI ने बोला जाने दे, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपका ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि बैंक ही आपको अप्रूव कर देगा, अगर इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो और उस कंट्री का आप हमको सर्टिफिकेट दे दो, या मेडिकल के लिए जा रहे हो और उस हॉस्पिटल का हमको आप एक रिटर्न लेटर दे दो, या स्कूल के लिए जा रहे हो और उस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हमको एक रिटर्न सर्टिफिकेट दे दो कि कितना खर्चा होने वाला है। अगर मान लो कैनेडियन का खर्चा 400K, उन्होंने लिख के दे दिया, तो वो लिख के आप बैंक के पास जाना, बैंक को बोलना बैंक देख कैनेडा जा रहा हूं, 400K लगेंगे, 2.5 लाख के ऊपर मेरे को RBI के पास जाना पड़ता है, पर RBI ने तेरे को ऑथराइज कर रखा है, तू अप्रूवल दे दे, सिर्फ ये तीन केसेस में सर। तो नीचे यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट फॉर DGH इंडिविजुअल में अवेल फॉरेक्स फैसिलिटी एक्सीडिंग 2,50,000 इफ इट इज रिक्वायर्ड बाई कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, जहां जा रहे हो उस कंट्री का मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग ट्रीटमेंट और यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली, आप अवेल कर सकते हो, उससे ज्यादा RBI के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑथराइज पर्सन आपको अप्रूव कर देगा, समझे क्या सर मेरी बात? सर ये जो $2.5 लाख का लिमिट है ना, ये पूरे साल का है, अगर उसमें पहले आपने $50,000 लिमिट कर दिया तो बचेगा $2 लाख, और ये पूरे साल का लिमिट है, दैट इज लिमिट ऑफ 2,50,000 इज एग्रीगेट इन अ प्रीवियस ईयर। अब सर इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आएगा, सर कुछ लोग होते हैं जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होते हैं पर दिल से हिंदुस्तानी नहीं होते, मतलब दे आर PRI बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, जैसे कि सर मेरी बात समझना, अगर ऋषभ है, ऋषभ को सर 3 साल एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया लाया गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां लाया गया, इंडिया लाया गया, कितने साल के लिए सर? सर मान लो 2 साल के लिए, सर प्रीवियस ईयर 24, 25, 25, 26 में वो क्या रहेगा, एम्प्लॉय इंडिया में, तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो आप PRI बन जाते हो, अब सर PRI बन जाते हो वो इंडिया में कितना कमाता है पता है, इंडिया में $50,000 कमाता है साल का, सॉरी $5 लाख कमाता है साल का, सर $5 लाख जब कमाता है तो उसकी पूरी फैमिली तो यूके में है, तो वो ये पैसा यूके रेमिट करना चाहेगा, पर आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं भैया $2.5 लाख तक रेमिट कर सकता है, उसके ऊपर का RBI का अप्रूवल फलाना ढिमकाना, हमने बोला नहीं भाई ऋषभ, तू माना कि तू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है बट तू परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, तू कुछ समय बाद चला जाएगा, मतलब तू टेम्पररी पर्पस ले आए, तो तेरे लिए ना तू जितनी भी सैलरी कमा रहा है, तेरी जितनी भी नेट सैलरी है उतना पैसा तू रेमिट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तेरी नेट सैलरी $700K है तो तू उतनी पूरी रेमिट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने कहा सर नेट सैलरी, नेट मतलब क्या, जो भी तेरे को पूरी सैलरी आई उसमें से टैक्स हटा दे इंडिया का, उसमें से इंडिया में PF का PT का पेमेंट होता है, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट होता है ना, वो सब माइनस करके जो नेट तेरे पास तेरे हक के पैसे आएंगे वो तू रेमिट कर सकता है, तेरे को RBI का अप्रूवल नहीं लगेगा ऋषभ, क्यों, क्योंकि तू परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया तो है, तू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो है बट तू परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, तो पहले समझो सर PRI बट नॉट परमानेंट कौन होता है, सर PRI बट नॉट परमानेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर वो अगर वो सिटीजन है किसी फॉरेन कंट्री का, अदर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान वालों को ये फायदा नहीं है सर, बाहर की कंट्री का सिटीजन है या फिर तू इंडिया का सिटीजन है जो डेप्यूटेशन पे आया है इंडिया टू अ ऑफिस और ब्रांच ऑफ अ फॉरेन और फॉरेन कंपनी और अ सब्सिडरी इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, मतलब तू इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर काम करता है और उस फॉरेन कंपनी ने तेरे को इंडिया डेप्यूटेशन पे भेजा है, डेप्यूटेशन मतलब जॉब के लिए भेजा है, तो भैया तू चाहे बाहर का सिटीजन है या इंडिया का सिटीजन है, घूम के इंडिया काम करने के लिए आया है, तू रेमिट कर सकता है अपने नेट सैलरी तक का अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस PF एटसेट्रा, पर कितना नेट सैलरी रेमिट कर सकता है तेरे को कोई रोक टोक नहीं है,
पर सर पीआरआई बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट मतलब क्या सर? पीआरआई मतलब फॉर दिस शेड्यूल पीआरआई ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन और फॉर अ स्पेसिफिक जॉब द ड्यूरेशन ऑफ विच इज नॉट मोर देन 3 years इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। सर अगर आप जॉब के लिए आए हो पर 3 साल से कम या 3 साल तक के लिए जॉब के लिए आए हो ना तो आपको पीआरआई माना जाएगा बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट माना जाएगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? आप अगर पीआरआई हो और अगर आप 3 साल या उससे कम के लिए इंडिया आ रहे हो जॉब के लिए तो आपको पीआरआई बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट माना जाएगा। सर आप रेसिडेंट इंडिया के बाहर के हो तो पाकिस्तान के मत हो ना, और अगर इंडिया के रेसिडेंट हो तो इंडिया के बाहर किसी कंपनी में जॉब करते हो और उस कंपनी ने आपको डेप्यूटेशन पे भेजा है तो ये सारे केसेस में आपको कितना रिमिट कर सकते हो सर? नेट सैलरी तक का अमाउंट। अरे समझे क्या मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड? कृतिका ने कहा एयर हॉस्टेस आलिया भट्ट वाला। नहीं राजा वो ये वाला क्वेश्चन नहीं, वो अलग वाला क्वेश्चन है। जो आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन है ना वो स्टे इन इंडिया की बात करता है। अगर आलिया भट्ट जो है वो भट्ट एयरलाइंस में काम करती थी और भट्ट एयरलाइंस जो कहा कि है यूएस की है और वो फ्लाई करके इंडिया आई, कैसे फ्लाई करी सर? उसने फ्लाइट में फ्लाई किया, ठीक है ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट में फ्लाई करके वो कहां आ गई सर? फ्लाइट में फ्लाई करके वो आ गई इंडिया। तो सर जब इंडिया आई और इंडिया में उसको गलती से रुकना पड़ गया 185 डेज के लिए और उसके बाद अब वो इंडिया से वापस चले गई उड़ के, तो ये जो 185 डेज उसने इंडिया में स्टे किया है क्या उसके लिए वो पीआरआई बन जाएगी? सर नहीं। आप इंडिया में स्टे जो कर रहे हो ना वो स्टे आपका बेसिकली आप रिसाइड नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली आप ऐसे रुक के चले गए, आप इंडिया में आपका कोई इरादा नहीं था, तो इसको 185 डेज को स्टे इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्यों सर? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो आपका बाहर ही है ना, आप तो गलती से इंडिया में रुक गए। पर सर अगर आपका नौकरी इंडिया में ही होता, आप भट्ट एयरलाइंस की जगह इंडिया एयरलाइंस में काम कर रहे होते तो ये 185 डेज को स्टे मान लेते। सर इस पे आपके क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन डाला है मैंने, वो कर लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रिविजन वीडियो है, ठीक है? अब मेरी बात सुनना सर, ये तो जो मैंने आपको 2.5 लाख का लिमिट बताया, जो 2.5 लाख का लिमिट बताया वो इंडिविजुअल के लिए था, पर इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई कंपनी है या अदर देन इंडिविजुअल है तो आपके लिए लिमिट 2.5 लाख नहीं, अलग ही लिमिट है। इस लिमिट के ऊपर जाओगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। कौन कौन से केसेस में सर? पहला, अगर आप डोनेशन दे रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, चंदा दे रहे हो फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन एनी रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरी एक सीट बनाने के लिए मैंने वहां पे डोनेशन दिया, मैं कौन हूं? कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसके लिए लिमिट अलग है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स प्रमोटेड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के किसी फंड में कंट्रीब्यूशन किया या कंट्रीब्यूशन टू एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड और एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। सर जो मैं डोनर कंपनी मतलब जैसे कि रिलायंस हो गया उसके फील्ड में अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो सर ये सारे चंदा दान दान वान करने के लिए ना आपको लिमिट है। लिमिट क्या है? तू भैया बाहर दान तो कर रहा है पर ये मतलब बाहर से कमा कितना रहा है जो तू बाहर दान कर रहा है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा 1% ऑफ योर फॉरेक्स अर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर और $5 million विच एवर इज लोअर। हम तेरे पिछले 3 साल के अर्निंग का 1% और $5 million विच एवर इज लोअर देखेंगे, उस लोअर का तो कंट्रीब्यूशन कर सकता है बिना किसी परमिशन के। उसके ऊपर जाएगा ना आरबीआई का परमिशन लगेगा। सर लिमिट क्या है? तूने जितना कमाया फॉरेक्स अर्निंग इन द लास्ट 3 years उसका 1% और $5 million विच एवर इज लोअर, इतने तक का तो बिना परमिशन के डोनेशन कर सकता है या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, उसके ऊपर का तेरे को आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। सिमिलरली सर दूसरा, सेल्स ऑफ प्लॉट और लैंड इन इंडिया। सर अगर कोई बाहर का एजेंट इंडिया में प्लॉट बिकवा के दे रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा। सर कमीशन कितना दोगे? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, मेरे को जितना पैसा आया उसका 5%, विच एवर इज हायर। यहां पे विच एवर इज हायर आ गया सर, क्योंकि 25,000 एक बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, विच एवर इज हायर कर दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन किसने किसको बेचा? सर मेरी एक फ्लैट थी पुणे में, पुणे की एक फ्लैट को एक एनआर ने इंडिया के बाहर बेचा है, पुणे की एक फ्लैट को इंडिया के बाहर बेचा गया, एनआर ने बेचा मिस्टर जॉन को, तो मिस्टर जॉन मेरे को जितना पेमेंट देंगे वो मेरा इनवर्ड रेमिटेंस हो गया, उसका 5% और $25,000 विच एवर इज हायर। हायर लिखने की जरूरत क्या पड़ी सर? क्योंकि बहुत छोटा लिमिट दिया आपने $25,000 का, तो उतने तक का आप कमीशन बिना अप्रूवल के दे देना, उसके ऊपर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। सिमिलरली सर अगला 2 पॉइंट, अगर आपने कंसल्टेंसी लिया है, अगर आपने क्या लिया है? कंसल्टेंसी। तो भैया कंसल्टेंसी डिपेंड करता है किसके लिए लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है या अदर कंसल्टेंसी लिया है। अगर इंफ्रा के लिए लिया है ना तो $10 million तक दे सकते हो पर प्रोजेक्ट, पर अगर अदर है ना तो $1 million तक दे सकते हो पर प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट सर, अगर आपने इंडिया में कोई कंपनी खोली और कंपनी खोलने के बाद प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को रिइंबर्स किया,
तो सर उसके लिए डिपेंड करता है, तूने जब कंपनी खोली इंडिया में पैसा लाया कितना, तो सर तो कितना आपको अलाउड है रेमिटेंस करना, 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया, जितना पैसा तो इंडिया में लाया उसका 5% और $1,00,000 व्हिचएवर इज हायर वापस से सर, क्योंकि हमने लिमिट छोटा दे रखा है तो हमने व्हिचएवर इज हायर लिखा, तो दोनों जगह हायर है, बस एक ही जगह लोअर है, बस एक ही जगह लोअर है जहां पे आपने $5,000,000 की लिमिट दे रखी, पर बाकी जगह जहां $25,000 और $1,00,000 की लिमिट है वहां पे व्हिचएवर इज हायर है। तो सर ये देख के सर आप कितना कमीशन देना चाहते हो, कितना इंफॉर्मेशन एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट देना चाहते हो आप पे, बस हमने ये बोला इतनी ये लिमिट है, इसके नीचे तू अपने मर्ज से कर रहे, इसके ऊपर जाएगा तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। और मैंने ये कहा ये सब केसेस में आपके $2,50,000 का लिमिट इरेलेवेंट है, अगर आप देखोगे तो $2,50,000 का कोई रेलेवेंस नहीं है सर, समझे क्या? अभी इसके बाद भी और कुछ छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिस पे क्वेश्चन आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला सर जो प्रोसीजर फॉर ड्रॉल और रेमिटेंस अंडर शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में जो आपका रेमिटेंस है सेम एज LRS, मतलब क्या सर? आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जैसा पैसा ड्रॉ करोगे वैसे ही यहां पे भी ड्रॉ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 और 3 है, इस पे MCQ दिखेगा सर। आपको अप्रूवल फॉर ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 2 और 3, सर शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड है तो उसकी तो बात ही मत करो, पर 2 और 3 में भी आपको अप्रूवल लगेगा कुछ कुछ केसेस में, पर अप्रूवल नहीं लगेगा, शेल नॉट बी रिक्वायर्ड वेयर रेमिटेंस इज फ्रॉम रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट RFC अकाउंट। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब क्या? एक रेसिडेंट है उसी का एक बाहर इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें से दे रहा है, हमने बोला कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। या दूसरा एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, कौन सा? EEFC। सर अगर आप रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हो या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हो, मैं रेसिडेंट हूं, मेरा इन दोनों में से कोई भी अकाउंट है ना, तो मैं फिर शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 का खर्चा कर सकता हूं बिना किसी अप्रूवल के। शेड्यूल 2 क्या था? कल्चरल इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और शेड्यूल 3 क्या है? ये सारे बेसिक खर्चे जो है, और 2,50,000 के ऊपर करोगे आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारे खर्चे कर सकता हूं बिना अप्रूवल के अगर मेरे पास ये दोनों में से कोई अकाउंट है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब एंड फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अंडर शेड्यूल 3। मतलब सर हमने क्या बोला, शेड्यूल 2 में परमिशन लगता है, शेड्यूल 3 में परमिशन लगता है, पर अगर तेरे पास रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो देखो ये अप्रूवल भी नहीं लगेगा, ये अप्रूवल भी नहीं लगेगा, पर अगर तेरे पास एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है ना तो रुक जा जरा। शेड्यूल 2 में जब लास्ट में तू PNI क्लब का मेंबरशिप पे कर रहे, या अगर शेड्यूल 3 में तू तेरा कमीशन का पेमेंट कर रहा है या तेरे रिइंबर्समेंट कर रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का अगर तू पेमेंट कर रहा है सर, तो ये वाले खर्चों के लेना तू भले EFC अकाउंट से कर ले, पर फिर भी तेरे को क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाकी सारे ट्रांजेक्शन के लिए तू RFC से कर ले, EFC से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये 3 खर्चे के लिए तो अगर EFC से करेगा ना तो देखो अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब वो वाला एक्सेप्शन तेरे लिए नहीं है सर। इसी पे तो MCQ बनाएंगे कि पहले इन्होंने बोला RFC और EFC को सारे अप्रूवल माफ है, पर EFC के केस में, अरे एक सेकंड रुक जा, EFC के केस में तू अगर PNI क्लब का पेमेंट कर रहा है या ये इनका पेमेंट कर रहा है तो तेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा। और लास्ट सर, अगर आप इंडिया के बाहर विजिट पे हो और आपके पास कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, आपको पता है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड देता है एक्सिस बैंक HDFC में, उस केस में आप खर्चा कर सकते हो बिना अप्रूवल के, क्योंकि कार्ड में लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अलावा आप अप्रूवल कर आप खर्चा कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझे क्या सर? और अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो तीनों में भी लिस्टेड नहीं है, तीनों शेड्यूल में भी लिस्टेड नहीं है तो क्या कहेंगे सर उसको? तीनों भी शेड्यूल में लिस्टेड अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे सर? उसको आप फ्रीली अंडरटेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। समझ में आया आपको? दैट ब्रिंग्स अस टू अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, और लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 4 मिनट्स and we'll resume at 11:35 sharp. 11:35 को शुरू करेंगे सर, 12 बजे तक इसको खत्म कर देंगे। आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा बचा है, बस खत्म हो गया, मेजरली खत्म हो गया, पर अपना थोड़ा सा रिविजन बचा है वो पढ़ के अपन खत्म कर देंगे, समझे क्या सर? बहुत ज्यादा बचा नहीं है, एक बार खत्म कर लेंगे, 4 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। चलो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 4 मिनट्स।
आ जाओ सर वापस, बोलो है हिम्मत, कंटिन्यू करोगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इतना हल्का समझे हो क्या? चलो सर मेरी बात सुनना एकदम ध्यान से, क्या करने वाले सर हम लोग? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने वाले। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किस चीज के बारे में बात करता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का तुमने डेफिनेशन तो देख लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे, आ जाओ सर वापस, सॉरी बोलो, हाँ जी सॉरी सर, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे एक पर्सन जो इंडिया का है उसका इंडिया के बाहर अगर असेट बदलता है या लाइबिलिटी बदलता है या कंटिजेंट लाइबिलिटी बदलती है, या अगर एक ट्रांजैक्शन किसी ऐसे पर्सन का जो इंडिया के बाहर है उस इंडिया में असेट या लाइबिलिटी बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपको लिख के बता देता हूं सर, ये पीआरआई है। पीआरआई का अगर आउटसाइड इंडिया क्या हो रहा है, असेट लाइबिलिटी या कंटिजेंट लाइबिलिटी बदल रही है, या अगर पीआरओआई है उसका इंडिया में असेट या लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं, असेट या लाइबिलिटी बदल रहे, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद आपको मैंने क्या बोला? सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब बड़ी बड़ी बातें सोचना, जैसे कि मैं इंडिया के बाहर शेयर्स खरीद रहा हूं, स्टॉक खरीद रहा हूं, घर खरीद रहा हूं, इंडिया के बाहर वाला इंडिया में आके शेयर्स खरीद रहा है, स्टॉक खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, ये सारी चीजें आती है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर टू क्या कहते हैं? आरबीआई विल स्पेसिफाई क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेट व्हिच इज परमिसेबल, लिमिट फॉर सच परमिसेबल ट्रांजैक्शन एंड द कंडीशंस प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजैक्शन। सर कौन बताएगा? आरबीआई। सर आरबीआई को पावर दिया कि डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में तू बता क्या परमिसेबल है। डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उसके बारे में आरबीआई तू बता, लेकिन सर इक्विटी के बारे में, इक्विटी के बारे में सीजी शैल प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग डेट व्हिच इज परमिसेबल। मतलब सर डेट के कौन से ट्रांजैक्शन परमिसेबल है ये आरबीआई बताएगा सीजी से बात करके, और इक्विटी में कौन सा परमिसेबल है ये सीजी बताएगा आरबीआई से बात करके। सर फर्क है, इक्विटी मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस में बाहर के लोग आके कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में, तो वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, पर अगर मैं पूछूं डेट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आरबीआई बताएगी। मतलब बड़ा पावर इन्होंने सीजी ने अपने हाथ में रख लिया। अब दोस्तों इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आरबीआई वैसे तो, आरबीआई और सीजी जो है वैसे तो डेट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रोक सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट परमिशन दे सकते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसपे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता, कभी भी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते। ये दो इंस्ट्रूमेंट है और ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, दो केसेस में कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता। पहला, पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन। सर क्या हुआ? आरबीआई ने बोला कि तू जेपी मॉर्गन से, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बोला तू लोन ले ले $100K का, जब बाद में रीपेमेंट की बात आई तो रीपेमेंट किसमें करोगे सर? डॉलर में। डॉलर के लिए क्या, डॉलर में रीपेमेंट करने के लिए क्या लगेगा? डॉलर। आप इंडिया में एसबीआई के पास गए और बोले भाई मेरे को जरा सा डॉलर देना, तो SBI ने बोला नहीं, आरबीआई ने ड्रॉ, डॉलर का ड्रॉल मना कर रखा है। क्यों मना कर रखा है? बोले तुम डॉलर ड्रॉ करके रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं कर सकते। अरे गधा है क्या, जब लोन डॉलर में लिया तो रीपेमेंट डॉलर में करूंगा ना, नहीं कर सकते, क्या होता है? तो आप इस ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो पहला हो गया, आरबीआई शेल नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स लेने के लिए, फॉर व्हाट? फॉर पहला पेमेंट और ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन और रीपेमेंट ऑफ लोन, और दूसरा डेप्रिशिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डेप्रिशिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है उसका डेप्रिशिएशन क्या मतलब? सर एक बार समझा देता हूं, जीवन में कभी नहीं समझा होगा आपने ये। सर मैंने अगर एक होली ओन सब्सिडरी खोली यूएस में, सर मेरी कंपनी का नाम है एसएस लिमिटेड और यूएस में मैंने खोला एसएस यूएस लिमिटेड, इसमें सर 100% इन्वेस्टमेंट मेरा है। मतलब कितना इन्वेस्टमेंट डाला मैंने? $100K। सर यूएस में एक लॉ है जो कहता है कि जब भी आप यूएस में कोई कंपनी खोलो तो मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 100K होना चाहिए। मैंने उतना डाल दिया। अब सर मैंने 4 साल बिजनेस किया और 4 साल बिजनेस करके करके मेरे को $20K का लॉस हो गया, तो मेरा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? सर लॉस को एडजस्ट करके आप देखोगे तो मेरा शेयर कैपिटल गिर के 80K हो जाएगा। पर सर यूएस का लॉ तो कहता है भैया 100K मिनिमम चाहिए, तो मेरे को 20K और रिफिल करना पड़ेगा। सर जब ये रिफिल करने के लिए मैं अगर आरबीआई अपने एसबीआई से पैसा मांग रहा हूं कि दे भैया डॉलर मेरे को यूएस भेजना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था उसपे, तो सर उसमें आपको एसबीआई मना नहीं कर सकता, आरबीआई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। सर क्या कहा मैंने? डेप्रिशिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डेप्रिशिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? सर असेट का डेप्रिशिएशन तो समझता था, इन्वेस्टमेंट का क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होना, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कम हो गया तो उसको रिफिल करने के लिए आपको पैसा लेने से कभी मना नहीं किया जाएगा। सर ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत
अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, रिविजन में इतना ही हो सकता है सर, पहला अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके लिए आरबीआई या सीजी कभी भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अब पीआरआई में होल्ड ओन ट्रांसफर और इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, किसको बोला हमने? पीआरआई को, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को हमने बोला, तो फॉरेन करेंसी भी होल्ड कर सकता है, सिक्योरिटी भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी। लेकिन कैसे सर? कैसे? सिर्फ दो केस में, पहला प्रोवाइडेड दैट इट वॉज अक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड बाई सच पर्सन व्हेन ही वॉज अ पीआरओआई। जब तू पीआरओआई था तब तुमने वो असेट खरीदा था, अब आप पीआरआई हो गए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, या इट इज इनहेरिटेड बाई अ पीआरओआई। मतलब सर अगर एक इंसान है रमेश, रमेश अगर क्या बोल रहा है, मैं यूएस में एक असेट होल्ड करता हूं, तो रमेश दो ही केस में होल्ड कर सकता है। पहला, ये असेट जब रमेश ने खरीदा था ना तब वो क्या था? पीआरओआई, मतलब विदेशी था। जब उसने खरीदा था तो वो इंडिया आ गए, तो तू असेट होल्ड करना कंटिन्यू कर सकता है। या दूसरा सर, रमेश ने जब ये असेट होल्ड किया था तो रमेश की डेथ हो गई और उसका बेटा सुरेश है, और सुरेश को ये असेट मिल गया, तो सर अगर आपने इनहेरिट किया है ना तभी जाके आप ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होल्ड कर सकते हो, वरना नहीं होल्ड कर सकते। ये तो इन्होंने जनरल बोला है। सर क्या बोला? कि ए पर्सन कैन होल्ड फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अगर उसने अक्वायर किया जब वो पीआरओआई था, या उसने इनहेरिट किया पीआरओआई से। सर सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे फिफ्थ पॉइंट है पीआरओआई का, कि पीआरओआई बाहर का बंदा इंडिया का करेंसी, इंडिया की सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया कैसे होल्ड कर सकते हैं? या तो उसने अक्वायर किया था जब वो पीआरआई था, या फिर उसने किसी पीआरआई से इनहेरिट किया है। सर जो उस ये ऊपर वाला प्रोविजन है ना उसी का मिरर इमेज है। पहले हम पीआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि तू बाहर की करेंसी, बाहर की सिक्योरिटी, बाहर का असेट तभी होल्ड कर सकता है अगर तूने खरीदा तब था जब तू बाहर का था, या तूने किसी बाहर वाले से इनहेरिट किया है। इंडिया का सेम पॉइंट, बाहर का बंदा इंडिया की करेंसी, इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया का प्रॉपर्टी तभी होल्ड कर सकता है अगर उसने खरीदा तब था जब वो इंडियन है, या उसने इंडिया के किसी बंदे से अक्वायर किया है तभी वो होल्ड कर सकता है। ये बेसिक पॉइंट्स है सर, समझे क्या तुम मेरी बात? हाँ सर। अब उसके आगे मेरी बात ध्यान से सुनना सर, कुछ आरबीआई का क्लैरिफिकेशन है जो मैं आपको बता दूं। पहला, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन्ड एंड मेंटेन्ड बाय पीआरआई व्हेन ही वाज अ पीआरओआई, द फॉरेन ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड। मतलब ऊपर जो हमने ये प्रोविजन डाले ना उसमें ये ट्रांजैक्शन भी आते हैं कि अगर मैंने बाहर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला तो वो भी असेट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा अगर बाहर मैंने एक अकाउंट खोला, फॉरेन करेंसी अकाउंट। दूसरा सर, ये तीनों पॉइंट्स की आपको जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनो सर। आ जाओ अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले पार्ट में। सर आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना ब्रॉडली चार पार्ट में स्प्लिट होते हैं। पहला वो ट्रांजैक्शन जो आप कर सकते हो जो परमिसिबल है, दूसरा वो ट्रांजैक्शन जो पीआरओआई को परमिसिबल है, पहला ट्रांजैक्शन पीआरआई को परमिसिबल है, दूसरा शेड्यूल पीआरओआई को परमिसिबल है, तीसरा क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन ऑन विच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन को लेके और डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आप ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और चौथा हो गया प्रोहिबिटेड। मतलब सर पहला हो गया प्रोहिबिटेड, दूसरा हो गया किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और तीसरा हो गया कौन सा फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन है। अब सर अगर आप फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन देखोगे ना राजा, तो इन्होंने सारी चीजें लिख दी भाई, एक पीआरआई के लिए सारी चीजें लिख दी जो उसके लिए फ्रीली परमिसिबल है। आराम से सुनना सर क्या क्या है। पहला, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, आप एक फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आप नेटफ्लिक्स गूगल अल्फाबेट ये सबके शेयर्स खरीद सकते हो। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड बाय इंडिया एंड अब्रॉड, रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पीआरआई। सर अगर एक पीआरआई बाहर वाली कंपनी के, बाहर वाले बैंक से लोन ले रहा है वो भी अलाउड है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। गारंटी इशूड बाय अ पीआरआई इन फेवर ऑफ अ पीआरओआई। सर ये सारे पॉइंट्स याद नहीं करने, पर ध्यान से पढ़ना है कि आपने अगर गारंटी दिया है किसी पीआरओआई के फेवर में, मतलब सर मान लो जेपी मॉर्गन से लोन लेने कौन गया, इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क के बिहाफ में गारंटी किसने दिया, अपना गौतम अडानी ने। तो भैया पीआरओआई के बिहाफ में अगर तुम गारंटी दे रहे हो किसी बाहर वाले को तो वो भी अलाउड है, चलता है। उसके बाद सर, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय अ पीआरआई फ्रॉम अ पीआरओआई, अपने बाहर के किसी बंदे से लोन या ओवरड्राफ्ट लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स, ये सारी चीजें अलाउड है, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, करेंसी नोट होल्ड करो, सब चलता है। उसके बाद, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय अ पीआरआई, इंडिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट है या इंडिया के बाहर है दोनों भी चलता है। टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पीआरआई फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, बड़ी बात है तुम इंडिया के होते हुए भी इंडिया के बाहर से इंश्योरेंस ले रहे हो, चलता है। उसके बाद सर, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स बाय अ पीआरआई टू पीआरओआई। सर ये दोनों का मतलब क्या है? एक जगह पीआरओआई लोन दे रहा है पीआरआई को, और एक जगह पीआरआई लोन दे रहा है पीआरओआई को। हमने कहा दोनों भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, चलता है। उसके बाद सर हमने कहा रेमिटेंस ऑफ आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट ऑफ पीआरआई,
सर कोई कैपिटल असेट्स इंडिया में कोई पैसे है उसको इंडिया के बाहर रेमिट कर रहे हैं, चलता है। और सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहो तो वो भी चलता है। पीआरआई को फ्री हैंड दिया, तू सब कर ले भाई, तेरे को लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तेरे को गारंटी देना है, इंश्योरेंस लेना है, तेरे को अगर रेमिटेंस करना है, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को सब अलाउड है। दीज थिंग्स आर फ्रीली परमिशेबल। बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग सर, जो $2.5 लाख का लिमिट था ना, जो आपको क्या लग रहा था जो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, वो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मिला के $2.5 लाख है। अगर आपने $1.5 लाख का करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लिया ना, तो बचता आपके पास सिर्फ $1 लाख है जिसमें आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये एकदम ध्यान से रखना। शेड्यूल वन प्लस शेड्यूल थ्री, शेड्यूल वन किसका, इसका शेड्यूल वन, और शेड्यूल थ्री किसका, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का, दोनों मिला करके मैक्सिमम $2.5 लाख आएगा। ये बात ध्यान रखना सर प्लीज। और तो और इन्होंने कहा ये जो $2.5 लाख का लिमिट तुमको दे रखे है ना, ये लिमिट तुम नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज में यूज नहीं कर सकते। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज जैसे कि कोरिया हो गया भाई, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, मानता ही नहीं आपकी बात, तो सर आप उन कंट्रीज में ये लिमिट्स यूज नहीं कर सकते। $2.5 लाख की लिमिट अच्छे कंट्रीज के लिए, बुरे कंट्रीज के लिए नहीं है। उसके बाद सर सिमिलर पॉइंट्स आप देखोगे कि एक पीआरआई को जैसे बहुत सारी चीजें अलाउ की थी ना, वैसे बाहर देखो बहुत सारी चीजें अलाउ की, तो आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर ले, तू इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर ले, तू करेंसीज होल्ड कर ले, तू गारंटी दे दे इंडिया के बिहाफ में बंदे को, तू डिपॉजिट कर ले इंडिया में, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल ले, रेमिटेंस कर ले और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लगभग सारी चीजें ऊपर की अलाउ कर दी सर आप शांति से। मेरा वैल्यू एड कुछ भी नहीं है इसमें, आप ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स को कंपेयर करके देख लेना कि कौन सी चीजें कवर्ड है कौन सी नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका लास्ट का ये पार्ट जो बात करता है प्रोहिबिटेड कैपिटल करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। प्रोहिबिटेड सर इस पे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ओए राजू तू नहीं सुन रहा है, इस पे क्वेश्चन आएगा सर, इस पे क्वेश्चन आएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वैसे तो सारे परमिटेड है, पर सर कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है सर। ध्यान से देखो क्या, नो पीआरओआई शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन, बाहर वाले को रोका है हमने, बाहर वाले इंडिया में आके तू ये सब जगह में अपना टांग मत अड़ाना। पहला, इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड सर, इंडिया नॉट फॉर बिगिनर्स। तू चिट फंड में घुसने की कोशिश मत कर, बाद में आके मोए मोए हो जाएगा, तू रोता बैठेगा, बोलेगा सर मेरे पैसे डूब गए। तू इन्वेस्टमेंट कर ही मत चिट फंड में, तू निधि कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट मत कर, हाथ नहीं लगाना, दूर पीछे, समझे ना तुम। निधि कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अगला, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटी, ये हमारा कोर है, हम कर लेंगे, तू हमको मत सिखा। सर रियल एस्टेट एक्टिविटी, रहने दे, तुमसे नहीं चाहिए हमको हेल्प। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, उसके लिए हमारे पास सलमान खान है, वो फार्म हाउस कैसे बनाते हैं क्या करते हैं उसको सब पता है। और लास्ट में ट्रेडिंग इन टीडीआर, सर टीडीआर क्या होते हैं, टीडीआर होते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। जब भी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, तो टीडीआरस खरीदे जाते हैं। तो सर टीडीआरस खरीदने के लिए आप जो है आप बाहर वालों से हेल्प नहीं लोगे। सर ये 6 बिजनेस प्रोहिबिटेड है जिसका शॉर्टकट है कार्टन। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सी क्या है, चिट फंड के बिजनेस में मत आओ, ए एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन बिजनेस में मत आओ, आर रियल एस्टेट बिजनेस में मत आओ, टी ट्रेडिंग में मत आओ। ट्रेडिंग किसके, सर जब आप रियल एस्टेट बात करो तो रियल एस्टेट में तो आ जाता है, एक तो आपका रियल एस्टेट बिजनेस और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, और उसके बाद टी क्या हो गया, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, और एन निधि कंपनी में भी तुम इन्वेस्ट मत करना। अरे क्या तुमको मेरी बात समझ में आई। सर ये सारी चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड है, पर इसमें सर और थोड़ा सा खेल है। जैसे कि हम कहते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में मत आना, तो रियल एस्टेट बिजनेस का क्या मतलब है, रियल एस्टेट बिजनेस शेल नॉट इंक्लूड, ये 3 चीजें रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं आती। सर रियल एस्टेट बिजनेस से हमारा मतलब क्या था, घर खरीदना और घर बेचना, वो मत कर, पर तू ये 3 चीजें कर सकता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, तो अगर आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस रोड्स और ब्रिजेस, तू रस्ते बना रहे ब्रिज बना रहे, हमको डेवलपमेंट की जरूरत है, आजा भाई। और लास्ट में रजिस्टर्ड रीट्स, तू इंडिया में अगर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोल रहे तो खोलना, तेरे को किसने रोका है पागल, हमने जब रियल एस्टेट बिजनेस बोला था उसमें हम ये नहीं बोल रहे थे, टाउनशिप बनाना है बना, रोड ब्रिजेस कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बनाने बना, तेरे को अगर रीट खोलना है खोल, तू हमारे इंडिया को बढ़ा रहा है बढ़ा, पर तू बोलेगा मैं रियल एस्टेट खरीदेगा लोढ़ा डेवलपर से, बिजनेस लोडा डेवलपर से मैं घर खरीदेगा और बेच देगा, अबे तू वो इंडिया वाले को करने दे, तू मत कर, तू डेवलपमेंट में ध्यान रख, तू कंस्ट्रक्शन में ध्यान रख, तू रजिस्ट्रेशन में ध्यान रख, और किसी चीज में ध्यान मत रख। और सर चिट फंड के बारे में भी, इन्होंने आपको चिट फंड में इन्वेस्ट करने से तो मना कर दिया, पर सर अगर आप चिट फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जगह अगर आप क्या बनना चाहते हो, चिट फंड में आप मेंबर बनना चाहते हो, सब्सक्राइबर बनना चाहते हो, कैसे सर, पीआरओआई आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, बट
मैं बिकम अ सब्सक्राइबर टू सच चिट अगर रजिस्ट्रार ऑफ चिट का या ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल आ गया. जैसे कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है ना, वैसे चिट के लिए होता है रजिस्ट्रार ऑफ चिट. अगर उसका अप्रूवल मिल गया ना तो तू इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता पर तू सब्सक्राइबर जरूर बन सकता है. अरे समझे क्या? ये सब प्रोहिबिशन किसके लिए था? बाहर वालों के लिए था, इंडिया के प्रति. सर इंडिया वालों को भी प्रोहिबिशन है, सिर्फ एक ही प्रोहिबिशन है. No PRI shall undertake capital account transaction with a citizen or a resident of Democratic Public People Republic of Korea. North Korea के साथ मत करना कोई भी transaction जब तक CG का approval ले ले. हमने साफ साफ लिखा है सर, हमको मोमोज के साथ, हमको North Korea के साथ transaction करना ही नहीं है. हमको नहीं करना है North Korea के साथ transaction. क्या कहते हैं सर? Democratic People Republic of Korea. सर हमको North Korea के साथ किसी भी तरह का transaction करना allowed नहीं है जब तक तुम CG का approval ले लो और CG तुमको घंटा approval नहीं दे. सर और तो और सर, जिस दिन ये रूल आया, मान लो ये रूल आया 1 अप्रैल 2025 को, मान लो जिस दिन ये रूल आया ना, जिस दिन ये प्रोहिबिशन आया, उसके 180 दिन के अंदर जितने भी तुम्हारे सारे ओपन ट्रांजेक्शन है ना, उनको क्लोज करो, या तो रद्द कर दो या खत्म कर लो. बट ऑल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विद नॉर्थ कोरिया शेल बी लिक्विडेटेड. बेच दो भाई या सेटल कर दो 180 दिन के अंदर, अनलेस आपके पास सीजी का अप्रूवल है. मतलब हमको नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं रखना है भाई, हमको नहीं जमता इनके साथ करना. और ये भाई कभी भी बम फेंक के मार देंगे, पैसा नहीं दिए तो. हमको नहीं करने का इनके साथ ट्रांजेक्शन. सर सारी कंट्रीज ने एक साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को बैन किया था, इसलिए नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता. इसलिए हम घमंड में बोलते हैं हम बाहर वालों के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करते. हमें कोई तेरे साथ नहीं करता, अकेला कैसे करेगा ट्रांजेक्शन? ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर अ वेरी 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 डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ योर चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. दोस्तों इसका क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है या जिस भी ऑथर का है, अगर आपके पास मेरा नहीं है तो मेरा प्लीज ले लीजिए. आई एम टेलिंग यू द चीपेस्ट बुक इन द मार्केट दैट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट ऑर्डर करो. मैं 5 से 7 दिन में भिजवाने की कोशिश करूंगा. पर सर अगर आपके पास किसी भी और ऑथर का बुक है तो उस ऑथर के बुक से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिए. आज आपसे सब जम जाएगा. मैंने सारे पॉइंट जो है अपने नोट्स में कवर कर दिए. सर आपके क्वेश्चन बैंक के लिए आपका एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो चल रहा है, आज आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वो खुद चूज कीजिए जो भी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जमे. पर मेरे हिसाब से दिस गिव्स अ पूरा 100% कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ योर चैप्टर फेम. सर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फेमा सीए फाइनल में होता है. सीए फाइनल में जब फेमा होता है ना, तो फेमा अभी जितना सिलेबस है, आई स्वेर अभी जितना सिलेबस है फेमा का, वो मैं सीए फाइनल में 30 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ. अभी भी यूट्यूब पे वीडियो आप जाके देख सकते हो, 30 मिनट में पूरा रिवीजन है. मतलब पूरा ऊपर ऊपर से फुल परफेक्ट रिवीजन है. वो रिवीजन भी आप देख सकते हो ये रिवीजन को 2 बार देखने के बाद. पर सर जो 30 मिनट का रिवीजन है वो मैंने खींच करके कितना समय लिया आपके साथ, लगभग 1 आवर 45 मिनट्स, जस्ट टू इंश्योर दैट आपको बाकी फुल लेक्चर्स की जरूरत ना पड़े. अगर आपको रिवीजन जेन्युइनली पसंद आया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. और दोस्तों जाते जाते आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, फेमा इज अ 12 मार्क्स टॉपिक. आपसे थोड़ी सी एफर्ट मांगेगा, वो एफर्ट डालो. और अगर ये 12 मार्क में से आपने 8 या 9 नंबर भी ले आए ना, सोचो कितना दर्द कम हो जाता है आपका. और मेरे को पता है ये इसमें से 4 नंबर का एमसीक्यू देने वाले. तो भैया जब इतनी अपने को अवेयरनेस है, जब अपने को पता है कि सर अदर लॉ आता 30 नंबर का है, जिसमें एक जनरल क्लॉज एक्ट है, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है. सर देखो आईओएस में कितना भी कर लो, जितने मार्क्स हमको चाहिए उतना नहीं आएगा. अगर आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप 4 मार्क मैक्सिमम ला पाओगे. जनरल क्लॉज एक्ट इजी है, हम संभाल लेंगे, पूरा हो जाएगा. पर सर बचता फेमा है. तुम लॉजिकली सोचो ये 30 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. लॉजिकली तो फेमा में ज्यादा आएगा ना. तो सर 12 मार्क के ऊपर आपको एमसीक्यू में और भी दिख सकते हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए Please realize that you are going to nail in FEMA only if you give your best. ठीक है सर, मैं चाहता हूं आप लोग अभी पॉजिटिवली आज का दिन बर्बाद किए बिना आप आगे भी अपनी पढ़ाई अच्छे से रखोगे. पहले आप फेमा खत्म करोगे, फेमा का क्वेश्चन बैंक खत्म करोगे और उसके बाद ही आप कुछ और करोगे. पर आज का दिन आप अपना बहुत प्रोडक्टिव रखोगे. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन द कॉमेंट, आई डोंट केयर वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, बट आई वॉन्ट यू टू बी प्रोडक्टिव फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 8 आवर्स. ठीक है, विदाउट, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये संडे है आज, बट आई डोंट वांट यू टू फील लाइक अ संडे, इट इज अ नॉर्मल रेगुलर मंडे एंड यू हैव टू वर्क दैट मच. सर जब अपन सीए करते हैं ना, तो सीए के साथ अपने को जितनी इज्जत मिलती है, जितने पैसे मिलते हैं, जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, ऑल ऑफ दिस कम्स फॉर अ कॉस्ट. विच वॉट इज द कॉस्ट? इट इज वेरी लो. सैक्रीफाइस योर संडेज, सैक्रीफाइस योर स्लीप, सैक्रीफाइस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट दैट डिग्री, एंड देन दैट डिग्री विल ब्रिंग यू नेम एंड फेम. ठीक है राजा,
तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज आप नीचे कमेंट पे लिख के जाएंगे दैट आई विल बी प्रोडक्टिव फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स, एंड लिखना तभी जब आप उसको मानोगे, आप कमेंट पे दिल से लिखोगे। एक तो आप पहले ही लिखोगे सर लेक्चर कैसा लगा, मेरे लिए इतना आप करोगे, लेक्चर मस्त था मत लिखना, थोड़ा डिटेल में लिखना क्या आपके लिए हेल्पफुल था एग्जैक्टली। और दूसरा आप उसके बाद लास्ट लाइन लिखोगे आई विल बी प्रोडक्टिव फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स एंड that will ensure that you are going to do great today. ठीक है, चलो guys, that's it for today. I hope you enjoyed this session. I will keep bringing more sessions. Video को like कर देना, channel को subscribe कर लेना, बहुत सारे videos आने वाले आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले video में, until then take care. This is your CA Buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.